Hello everyone, myself Yuvraj Chawda and I am a psychology aspirant. Right now I am studying third year psychology at Vadodara. So yes, we are doing some conversation about mental health stigma and all these things. So sir, kya batana chahoge sir? हाँ तो मैं अपने आप को भी इंट्रोड्यूस कर देता हूँ. तो मेरा नाम मोहम्मद आमिर है. मैं एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ बाय प्रोफेशन और अभी राइट नाउ पीएचडी चल रहा है यूएसएम यूनिवर्सिटी मलेशिया से. और यहाँ पे जो युवराज है हमारे साथ अब जुड़े हुए हैं, ये एक साइकोलॉजी स्टूडेंट है, बीए साइकोलॉजी थर्ड ईयर के स्टूडेंट है. और युवराज बहुत ज्यादा एक्टिव है इस फील्ड में, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस का काम करते हैं और उन अपनी भी स्टोरी शेयर करना चाह रहे हैं. तो ये एक बेसिकली आज का एक कन्वर्सेशन रहेगा. एक मैं एज ए प्रैक्टिसिंग साइकोलॉजिस्ट और युवराज एक बडिंग राइजिंग स्टार साइकोलॉजिस्ट, तो हम कैसे अपने एक्सपीरियंसेस को रिलेट कर सकते हैं और क्या कॉमन सिमिलैरिटीज है, क्या डिफरेंसेस है, इसको एक्सप्लोर करेंगे हम लोग. तो युवराज आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं? यस सर. लाइक सर, ऐसी कौन सी चीज थी जो आपको वन ऑफ द मोस्ट मिसअंडरस्टूड फील्ड है अभी की टाइम में, विच इज साइकोलॉजी, जिसके बारे में लोगों को बहुत ही कम पता है, तो ऐसी कौन सी चीज थी या ऐसा कौन सा गोल था जो आपको इस फील्ड की तरफ ले आया? अच्छा, तो दो चीजें थे जो मेरे को ये फील्ड की तरफ खींच के लाए और ये मैं शायद पहले कभी शेयर नहीं कर रहा था पब्लिकली. फर्स्ट चीज ये था कि मैं खुद मेंटल हेल्थ के कुछ चैलेंजेस फेस कर रहा था कई साल पहले. तो उससे, और ये कॉमन भी है ना हमारी फील्ड में, कि जो लोग खुद कुछ सफर करते हैं उन्हें मोटिवेट होते कि इसको फिगर आउट करने के लिए. तो वो एक मैं लाइफ में चैलेंज फेस करा और ओवरकम भी करा, सबका सपोर्ट था उसमें. और सेकेंड चीज ये थी कि मेरे जो मदर है वो एमएससी और एमएड करे हुए हैं. तो एमएड में कुछ साइकोलॉजी के सब्जेक्ट्स रहते, राइट? तो वो मैं जब हाई स्कूल में था उसको ब्रीफली देखता था, लिमिटेड समझ में आता था, लेकिन फिर भी कुछ उससे इंस्पिरेशन मिला ह्यूमन बिहेवियर को समझने का. तो ये दो एक्सपीरियंसेस मिला के मेरे को साइकोलॉजी की तरफ पुश करे और ये मेरे लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन था साइकोलॉजी चूज करना. क्योंकि करियर तो बाद की बात है, पहले मैं अपने आप को समझ पाया. और मेरे को लगता कहीं ना कहीं कि हर इंसान साइकोलॉजी एटलीस्ट अनऑफिशियली पढ़ना चाहिए एटलीस्ट फ्यू मंथ्स के लिए. आप फिर अग्री करते हैं इससे, राइट? क्योंकि पहले हम लोगों को बेनिफिट होता उसको उससे. ये सही बात है, क्योंकि साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो हर एक की लाइफ में डेली बेस पे क्या होता है उससे रिलेटेड करता है. और मतलब अभी हम 10th स्टैंडर्ड की बात करें तो वहां पर साइकोलॉजी एज ए सब्जेक्ट पढ़ाते ही नहीं है, वो डायरेक्ट 11th में आता है. तो जो चीज बच्चे के लिए बहुत जरूरी है वो चीज आप मतलब उसको बहुत ही लेट पढ़ाते हो, तो वो एक बहुत ही उसके लिए, एक कहते हैं ना कि जो इम्पोर्टेंट चीज है, जो इम्पोर्टेंट उसका डेवलपमेंट के लिए जो जरूरी है, वो उनको नहीं मिलता टाइम टू टाइम. सही बात. और इवन मैं तो ये भी बोलूंगा कि 10th से पहले से भी इम्पोर्टेंट है, बेसिकली 4th-5th स्टैंडर्ड से भी अगर कुछ सिंपल कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस करे तो बहुत बेनिफिशियल रहता. और आप बोले ना कि 11th स्टैंडर्ड में, यानी कि इसको हम PUC बोलते हैं यहाँ पे कर्नाटक में, प्री यूनिवर्सिटी, तो वहां पे इंट्रोड्यूस करे बोल के. लेकिन दुख की बात यह है कि वो भी इजिली एक्सेसिबल नहीं है हम लोगों के लिए. मुझे पता नहीं कि अलग अलग स्टेट्स में क्या है इसका सिचुएशन, लेकिन बहुत कम कॉलेजेस है जो वो ऑफर करते हैं. Yes, तो इवन वहां पे भी बहुत ज्यादा लिमिटेशंस है. तो बस वही कुछ लोग जैसे जो एमएड करते हैं या साइकोलॉजी प्योर फील्ड पढ़ते हैं, उन लोगों को एक्सेस मिल पाता है यूजुअली. सर आजकल ये मेंटल हेल्थ के बारे में भी लोग बहुत बातें कर रहे हैं कि मेंटल हेल्थ क्या है इसके बारे में, लाइक लोग मेंटल हेल्थ से सफर कर रहे हैं. लेकिन एक बेसिक सवाल आता है मेरा कि एज अ साइकोलॉजिस्ट व्हाट इज अ मेंटल हेल्थ, मतलब एक बेसिक सवाल है जो लोगों को पता होना चाहिए. वो डेफिनेशन वाला नहीं कि मेंटल हेल्थ इज समथिंग व्हिच इज रनिंग इन योर माइंड एंड थॉट्स, लेकिन व्हाट इज मेंटल हेल्थ. हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. और क्योंकि हमारा टॉपिक मेंटल हेल्थ के बारे में है, पहले हम लोगों को समझना चाहिए कि मेंटल हेल्थ है क्या. तो पहले भी एक दो वेबिनार में मैं इसके बारे में एक्सप्लेन करा हुआ हूँ, युवराज भी इसको एक्सप्लेन करे हुए अपने चैनल पे. लेकिन एक बार रिकॉल हम कर लेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम हेल्थ क्या है समझना है. हेल्थ यानी कि एक कंप्लीट वेलबींग इन जनरल जब हम एक्सप्लोर करते हैं उसमें इंसान का फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल और हर चीज आ गया, राइट? इमोशनल. तो वैसे ही उसका एक सब कैटेगरी है मेंटल हेल्थ, यानी हम दिमागी तौर पे कैसे हेल्दी रहना, यानी कि आप अलग अलग सिचुएशन को अपने आप को अडेप्ट कर पाना और जो भी लाइफ के स्ट्रेस है और प्रेशर्स है उसको एक हद तक हैंडल कर पाना और अपने आप को अच्छे से पहचानना, अपने और दूसरों के इमोशंस को पहचानना. तो ओवरऑल आप
अपनी लाइफ को कितना स्मूथली जी पा रहे एक नॉर्मल सिचुएशन में, उस अडेप्टेबिलिटी को, उस एडजस्टमेंट के फ्लेक्सिबिलिटी को आप मेंटल हेल्थ बोल सकते हैं। ये बहुत ही कैजुअल सा डेफिनेशन था व्यूअर्स के लिए। यस सर, आप कुछ ऐड करना चाह रहे इसमें व्यूअर? हाँ सर, लाइक मेरे लिए मेंटल हेल्थ एक ऐसी चीज है कि जो डेफिनेशन से थोड़ी परे है, कि लाइक मेंटल हेल्थ एक ऐसा माइंड का जहाँ पे आप खुद के भी इमोशंस को समझ पाओ, क्योंकि जब तक आप खुद के इमोशंस को ही नहीं समझोगे तब तक आप दूसरे लोगों की भावनाओं को कैसे समझ पाओगे। खुद को खुद के माइंड में क्या चल रहा है, आप अगर कोई चीज आपके माइंड में आपके साथ होती है तो आप कैसे ले रहे हो। लाइक मेरे लिए मेंटल हेल्थ इज लाइक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, नॉट इज एनी काइंड ऑफ डेफिनेशन सर। मैं मेंटल हेल्थ को ऐसे देखता हूँ। और मैं लास्ट दो जो क्वेश्चंस थे उसको कंबाइन करके एक इनसाइट जनरेट हुआ, मैं शेयर करना चाह रहा था आपके और ऑडियंस मेंबर्स के साथ। कि बेसिकली फर्स्ट पॉइंट में हम ये डिस्कस कर रहे थे ना कि हर कोई साइकोलॉजी पढ़ना चाहिए कम उम्र से, और फिर हम डिफाइन करें कि मेंटल हेल्थ क्या है। इन दोनों को जब हम कंबाइन करते एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज निकल के आती है। जैसे हर एक के लिए फिजिकल हेल्थ मेंटेन करना जरूरी है राइट, लेकिन हर कोई बॉडी बिल्डर बनना जरूरी है, हर कोई न्यूट्रिशनिस्ट या डॉक्टर बनना जरूरी नहीं है। उनके लिए जितना एक बेसिक न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज और मेडिटेशन जो भी फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड है वो उतना सीख लेना जैसा काफी है। मेंटल हेल्थ में भी कुछ दो तीन आप बेसिक चीजें सीख लिए तो आप एक अच्छे से लाइफ जी सकते हैं। आपको जरूरी नहीं है कि आप कोई डिग्री करना या सालों तक पढ़ना, तो वो कुछ बेसिक स्किल्स अगर हर कोई सीख सके तो उनके लिए वो काफी है। और वो बहुत पोअर चीजें हैं साइकोलॉजी के, जैसे कि इमोशनल इंटेलिजेंस वगैरह। यस सर, सर ऑल द पीपल आर अवेयर अबाउट देयर मेंटल हेल्थ, लाइक उन्हें पता है कि वो मेंटली सफर कर रहे हैं एंड नाउ दिस मेंटल हेल्थ इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, देन लाइक व्हाई दे आर नॉट टेकिंग एनी हेल्प फ्रॉम द अदर्स। उनको ऐसी तो कौन सी चीज है जो उन्हें पकड़ के रखती है कि अगर एक मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर किसी को बुखार या कोई भी फिजिकल हेल्थ की बीमारी होगी तो तुरंत ही विद इन 1 आवर वो लोग डॉक्टर के पास चले जाएंगे, बट व्हेन इट कम्स टू अ मेंटल हेल्थ इश्यूज तो वहां पे वो लोग थोड़े माइंड में सोचते हैं कि जाऊं या ना जाऊं। आधे लोग को तो पता ही नहीं रहता है, जैसे कि मेरे केस में था, मुझे खुद को नहीं पता था कि मैं 3 साल से डिप्रेशन में हूँ। लाइक माय पेरेंट्स इज अ वेरी सपोर्टिव, ऑल्दो मुझे खुद को नहीं पता था। तो मतलब ऐसी कौन सी चीज है जो लोगों को रोकती है? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और मैं एज ए साइकोलॉजी स्टूडेंट भी और एज ए साइकोलॉजी प्रोफेशनल भी इसके बारे में बहुत डीपली सोचा मैं। और ये चीज मेरे को बहुत फ्रस्ट्रेट करती है कि जब मैं लोगों को देखता हूँ सफर कर रहे सालों साल और लोग अप्रोच नहीं कर रहे थेरेपिस्ट को। तो आपके केस में आप लकी थे कि आपको वैसे सपोर्टिंग एनवायरनमेंट मिला और आप अवेयर थे, लेकिन ज्यादातर लोगों के केस में उसमें अटके हुए हैं राइट। मेरे को लगता है इसमें सबसे बड़ा फैक्टर तो फियर है सोसाइटी का, क्योंकि जनरेशन बाय जनरेशन ये चीज स्प्रेड हो रही कि अरे ये तो दिमागी बीमारी है या पागल हो गया या ये साइकोलॉजिस्ट के पास गया, तो एकदम लेबल लग जाता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो लोग वो लेबल से डरते हैं राइट। तो इसमें आपका और मेरा काम एज ए प्रोफेशनल या एज ए स्टूडेंट यही है कि इसको ब्रेक करना स्टीरियोटाइप को। हम लोग कोशिश भी करते हैं मैक्सिमम, लेकिन ये बहुत बड़ा काम है, इसके लिए सालों लग जाते राइट। और कहीं ना कहीं शुरुआत हम लोग को ही करना है इसमें। और सेकेंड चीज क्या है, इसको नॉर्मलाइज करना है कि नॉर्मल लोग भी साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं, छोटे मोटे माइल्ड चीजों के लिए भी साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं। जैसे लोग कुछ छोटा मोटा सर्दी बुखार भी आ गया तो जाते डॉक्टर के पास राइट, उसमें शर्म महसूस नहीं करते। तो वैसे ही मेंटल हेल्थ की चीजों में भी जाने को नॉर्मलाइज करना हम लोग जरूरी है। मैं चाह रहा था कि इस पॉइंट पे आपका जो आप जो स्ट्रगल करे या आपका जो जर्नी था मेंटल हेल्थ का उसको हम लोग डिस्कस करेंगे ताकि ऑडियंस भी उससे कुछ लेसन ले सकते। यस सर, लाइक मेरा जर्नी तो ऐसा था कि मैं लाइक आई वॉज इन अराउंड 16 ईयर्स, तो कुछ एज ए PTSD मुझे एक्चुअली में हुआ था कि पास्ट की कुछ मेमोरी मुझे हिट हो गई उस टाइम पे, एंड उसकी वजह से आई वॉज इन टू टू मच गिल्ट। और एज ए साइकोलॉजी और साइकेट्रिस्ट हमको पता है कि जितने भी मेंटल हेल्थ इशूज है वहाँ पे गिल्ट अगर किसी को होता है तो वो बहुत ही मतलब वन ऑफ द मेन कोर ऑफ एनी मेंटल हेल्थ इशूज। मैं गिल्ट में बहुत ही फंस गया था, तो उसकी वजह से मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो जाना, खुद पे डाउट आना, खुद के बारे में इनसिक्योर होना, सबसे आइसोलेशन में चले जाना। आई वॉज लाइक मैं बहुत ही पढ़ने में बहुत ही अच्छा स्टूडेंट था उस टाइम पे, बट
उसकी वजह से मेरा जो एजुकेशन का लेवल था वो धीरे 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 डिक्रीज होने लगा, क्योंकि जो भी पर्सन मेंटली सफर करता है उसके माइंड में इट्स लाइक वन विसिस वन, मतलब आप खुद के साथ ही लड़ रहे हो, आपके माइंड में कुछ और चल रहा है और आप खुद और ही सोच रहे हो। तो 3 या 4 साल तक तो मुझे खुद को नहीं पता था कि मुझे मेंटल हेल्थ इश्यूज है, ऑल्दो माई फादर इज अवेयर विद दिस ऑल दिस सिचुएशन, बिकॉज उनको ये सब सिचुएशन में वो पहले रह चुके हैं, तो वो जानते थे कि भाई मेरा बच्चा कुछ ना कुछ सफर कर रहा है। बट इट वॉज लाइक कि अगर तुम कंफर्टेबल हो तो हम लोग ट्रीटमेंट लेते हैं। देन लेटर आफ्टर 3 और 4 ईयर्स मैंने डिप्रेशन का वीडियो देखा तो मुझे पता चला कि दिस इज अ डिप्रेशन मतलब। और जब मुझे डिप्रेशन के बारे में भी पता चला तो माई फर्स्ट थॉट वॉज लाइक रियली आई वॉज इन डिप्रेशन। मैं ये सोच रहा था कि ये डिप्रेशन हो सकता है मुझे, तभी भी मैं एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं था कि दिस इज कॉल्ड एज अ डिप्रेशन। और लाइक उस डिप्रेशन के मोड में तो बहुत सारी चीजें मुझे हो चुकी हुई, जैसे कि ओसीडी का भी मुझे थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम था, फिर मेरे को मेनिया भी हो जाता था, कभी कभार मैं बड़ी बड़ी बातें करने लगता था, कभी कभार मेरे इतने बड़े मूड स्विंग हो जाते थे कि मुझे खुद को ही नहीं पता रहता था। एंड वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज मैं सबसे अकेला रहने लगा था। देन वो चीज इतनी बढ़ गई कि फिर स्टार्टिंग में रोना आना, फिर एक टाइम के बाद तुम रोना चाहते हो लेकिन रो नहीं पाते हो। देन फैमिली को मेरे इस चीज के बारे में पता लगी तो उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया। देन प्रोफेशनल हेल्प मेरे को मिली, साइकेट्रिक मेरी ट्रीटमेंट हुई, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट हुई। एंड आफ्टर दैट मुझे लगा कि भाई आई कैन हेल्प अदर पीपल ऑल्सो, बिकॉज अगर मेरे पेरेंट्स इतने अवेयर हैं और मेरी सिचुएशन इतनी अच्छी है तो भी मेरे को हेल्प लेने में इतनी देर लग रही है, तो इंडिया में तो ऐसे कितने सारे लोग होंगे जो उनको ऐसा एनवायरनमेंट नहीं मिलता होगा। तो दैट्स व्हाई मैं, ऑल्दो आई एम इंजीनियरिंग पास आउट, बट मैंने मेरा इंजीनियरिंग करियर पूरा साइकोलॉजी में शिफ्ट कर दिया है। दिस इज माई स्टोरी, लाइक बहुत सारे, लेकिन मैंने उसको थोड़ा छोटे में सम अप कर दिया। ये स्टोरी आप जो शेयर करें आपके साथ जो हुआ है बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल है, क्योंकि मैं कुछ हद तक रिलेट कर पाता हूँ जो मैं फील करा या मैं जो ऑब्जर्व करा एटलीस्ट लोगों में। तो आपके बातों में वो पेन महसूस हो रहा कहीं ना कहीं, क्योंकि आप इतने साल से जो सफर करे राइट, और वो चीज आपको साइकोलॉजी की तरफ लेके आई। तो ये एक बहुत स्ट्रांग रीजन है साइकोलॉजी बनने का, क्योंकि मैं भी अपने जब लोगों में देखता हूँ जो साइकोलॉजी के मेरे कलीग्स थे उनमें से एक सिग्निफिकेंट हिस्सा वो है जो खुद सफर करे सो राइट। और मैं समझता हूँ इसको हम लोग बुरा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जब हम खुद फील करते हैं जब भी हम जाके लोगों को तकलीफ समझ सकते हैं। कल आपके पास कोई क्लाइंट जब आएगा और वो अपनी तकलीफ बोलता तो आप उसको रिलेट कर सकते कम्प्लीटली, क्या बोल सकते मैं भी एक टाइम पे तुम्हारी जगह पे था राइट। तो वो एक सुपर पावर है और मैं आपको अप्रिशिएट करना चाह रहा था कि आप इतना खुल के अपनी स्टोरी बताए जो भी आप शेयर करें, क्योंकि इसके लिए बहुत हिम्मत लगती है राइट, आके पब्लिकली शेयर करना। लेकिन जो भी हुआ अब आप पहले से एक बेटर एक स्ट्रॉन्गर ह्यूमन है, तो इवन दो आपको तकलीफ हुई लेकिन कुछ उससे आप लेसन गेन करें या और उससे आपके अंदर स्ट्रेंथ डेवलप हुई, आप अग्री करते हैं सर? यस डेफिनेटली, लाइक पहले 3 4 साल तो मुझे, मैं बोल ही नहीं पाता था, अभी मैं जितना बोल रहा हूँ ना वो बात ऐसी कि इधर गले में आके अटक रही है, बोलना चाहता हूँ लेकिन समवन इज लाइक रोक रहा है मुझे, तो वो दैट फीलिंग इज वेरी लाइक आप उसे वर्ड में नहीं आप दर्शा सकते कि आप बोलना चाहते हो लेकिन आप बोल नहीं पाते हो, आप रोना चाहते हो लेकिन आप रो नहीं पाते हो, एंड दैट सुसाइडल टेंडेंसी एंड ऑल दिस थिंग्स। बट ड्यू टू ग्रेस ऑफ गॉड एंड माय फैमिली सपोर्ट एंड विद द हेल्प ऑफ माय मेंटर मैं इन सबसे बाहर आ पाया। एंड लाइक इसमें होता क्या है सर, अगर आप साइकेट्रिक ट्रीटमेंट अपने अच्छे से नहीं करते हो और साइकोलॉजिकल, तो फिर आपको बहुत सारे डॉक्टर के पास जाना पड़ता है कि मुझे ये होगा, मुझे वो होगा, मुझे ये तो नहीं हो जाएगा। वो सब चीजें भी मेरे दिमाग में चल रही थी कि मुझे कोई बड़ी बीमारी तो नहीं हो गई है, अब तो मेरा क्या होगा। दैट फील ऑफ सेंस ऑफ होपलेसनेस एंड वर्थलेसनेस वो मुझे प्रॉपर फील हो रहा था कि भाई अभी लाइफ में मेरा कुछ क्या होगा कि नहीं होगा। मतलब खुद खुद के ऊपर से एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो जाना, एकदम नीचे गिर जाना, फिर वापस से ऊपर उठना, ये सब चीजें लाइक ये सब लूप में जा रही थी मेरे लिए। तो उधर से फिर बाहर आना, तो मैं खुद को मतलब एक शाबाशी देता हूँ कभी कभार, ये मेरा क्या कॉन्फिडेंस, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है लेकिन कॉन्फिडेंस है, क्योंकि मैं जिस सिचुएशन से बाहर आया हूँ, मैं आई थिंक मैंने 19 से 20 डॉक्टर बदल लिए, 19 डॉक्टर्स आई हैव चेंज, ओके, मतलब और उसके बाद में इंक्लूडिंग सबसे फिजिशियंस एमबीबीएस सब मिला के बोल रहे हो?
न्यूरोलॉजिस्ट न्यूरोलॉजिस्ट कायरोप्रैक्टर, अपने ऑर्थोपेडिक डॉक्टर, एमडी डॉक्टर, जितने भी डॉक्टर, आयुर्वेदिक डॉक्टर, क्योंकि ये मेंटल हेल्थ इशू ही इतना, वो मतलब जितना डायग्नोज नहीं इसका हो पा आपको डायग्नोस रहा नहीं हो पा रहा था तब तक आपको था। पता ही नहीं लगेगा। और एक चीज थी, जब जब स्टार्टिंग में मैंने मेडिकेशन लिया था, तो अभी इस चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि मेंटल हेल्थ की जो भी ट्रीटमेंट होती है वो तुम्हें डॉक्टर के हिसाब से करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि तुम मेडिकेशन बंद कर लो, काउंसलिंग बंद कर लो। तो स्टार्टिंग के फेज में मैंने वो अपने आप से कर लिया था, क्योंकि आई वॉज एट अवेयर अबाउट दैट। तो मैंने बंद कर दिया, तो फिर वापस से वो चीज रिबाउंड हो गई। तो रिबाउंड हो गई तो फिर वही सारे सिम्टम्स, वही सारे फीलिंग्स आ जाना, वही सब रोना आना, वही सब चीजें होना। तो फिर मुझे पता लगा कि दिस इज समथिंग जो लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि फिजिकल हेल्थ के बारे में लोग इतना अवेयर नहीं है, तो फिर मेंटल हेल्थ की तो बात ही छोड़ दो। मैं दो तीन पॉइंट्स इससे ले रहा था आपकी स्टोरी से। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसा मैं आपको बोला, आप जो भी बोल रहे हैं और जो भी जर्नी के थ्रू गए, इसके लिए बहुत हिम्मत लगती है, तो मैं और एक बार आपको इसके लिए अप्रिशिएट करना चाह रहा था। और आप जो अपने आपको शाबाशी दे रहे हैं, वो मैं उसको कॉन्फिडेंस ही समझता हूँ, और वो देना भी चाहिए, क्योंकि ये भी एक लाइफ का आपका एक माइलस्टोन था कि एक अच्छी मेंटल हेल्थ अचीव करना इस लेवल तक के कि आप दूसरों को भी पब्लिकली आके गाइड कर सक रहे हैं। और मैं ऑडियंस को ये शेयर करना चाह रहा था कि युवराज सोशल मीडिया पे भी काफी एक्टिव है, पब्लिकली जाके स्ट्रीट पे अवेयरनेस कैंपेन्स करते हैं। तो जो भी लिंक्स वगैरह है मैं इसको शेयर कर देता हूँ आगे और डिस्क्रिप्शन वगैरह में, तो वो भी चेक करिए आप, क्योंकि बहुत अच्छा वर्क कर रही है। और ऑडियंस को मैं चाह रहा हूँ कि आप एक मोमेंट लेके इस पे थोड़ा ऑब्जर्व करिए, इसको दिमाग में सोचिए कि युवराज का जो जर्नी था कि कैसा इतना स्ट्रगल करने के बाद उनको सपोर्ट मिला, और 19 या 20 डॉक्टर्स बदलने के बाद प्रॉपरली डायग्नोस हुआ कि डिप्रेशन फेस कर रहे थे और ओसीडी वगैरह। अगर टाइम रहा तो हम ये टर्म्स को आगे क्लैरिफाई कर देंगे लास्ट में, ताकि आप अपने आप के अंदर भी हाँ आइडेंटिफाई कर सके ऑडियंस मेंबर्स। तो मैं चाह रहा हूँ ऑडियंस मेंबर आप इसको गौर करके इस पे लेसन एक्सट्रैक्ट करने का ट्राई करिए। देखिए, एक यंगस्टर हमारे सामने है जो इतना फेस करने के बाद भी आके पब्लिकली वर्क कर रहे हैं ताकि सब लोगों का भला हो। तो हम लोग थोड़ा हिम्मत करके इस चीज के बारे में कम से कम बात करना शुरू करना, क्योंकि फर्स्ट स्टेप है बात करना, ओपन अप होना, राइट। तो हम लोग भी अवेलेबल है, आपकी कम्युनिटी में कई फ्रेंड्स हैं जो एजुकेटेड लोग हैं, आप उनको खुल के बताइए, अपने पेरेंट्स को। फिर स्टेप बाय स्टेप आप थेरेपी ले सकते हैं या मेडिकेशन, जो भी है, इतने सब फैसिलिटीज अवेलेबल है, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई। जरूरी नहीं है कि आप सफर करना, आपके पास सोल्यूशंस है। जब आप फिजिकली बीमार पड़ते हैं आप डॉक्टर के पास जाते हो, रिलीफ भी मिलता, राइट। तो इसमें भी रिलीफ है, इसमें भी सोल्यूशंस है, फील्ड बहुत आगे बढ़ चुकी है। तो बस डरना नहीं, फर्स्ट स्टेप है कि इस पर बात करना शुरू करना। तो एक ऑडियंस के लिए ये एक लेसन शेयर करना चाह रहा था मैं। एंड वन मोर थिंग सर, आई वुड लाइक टू ऐड के जब मैं उस फेस में था तो मैं गौर को यही चीज बोलता था कि भगवान ये चीज आप किसी को भी फील मत करवाना, क्योंकि ये मेंटली जब चीज फील होती है ना तो वो आप वर्ड में उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि ये क्या चीज आपको फील हो रही है। अगर आपको कोई फिजिकल इलनेस होगी तो आप उसको, आपका कोई ब्लड टेस्ट आ जाएगा, यूरिन टेस्ट आ जाएगा, एमआरआई सीटी स्कैन कुछ भी आ जाएगा, लेकिन मेंटल हेल्थ के लिए अभी तक उतने टेस्टिस नहीं बने। ऑल्दो अभी टेक्नोलॉजी की वजह से वो टेस्ट बन रहे हैं बहुत सारे, लेकिन माइंड को समझना, इमोशंस को समझना, फीलिंग्स को समझना, विच इज अ वेरी मच लाइक डिफिकल्ट टूल। मैं भगवान को यही प्रार्थना करता था कि भगवान आपने ये सिचुएशन तो मुझे दे दी, बट प्लीज किसी और को मत देना। मैं उस टाइम बहुत लाइक भगवान से मैं प्रार्थना करता था, क्योंकि दैट वाज लाइक रियली वर्स्ट सिचुएशन किसी की लाइफ में हो ना आए, मैं ऐसा सोचता हूँ। ये बहुत डीप और टचिंग बात है जो आप बोले, और शायद जो लोग उसके थ्रू गुजरे ना उन लोग ही समझ सकते हैं ये चीज। और आप अब कल के दिन काउंसलर या थेरेपिस्ट बन जाएंगे, तो ये आपके अंदर एक स्ट्रांग एम्पैथी डेवलप करता है कि पेशेंट का आप दर्द समझ पाते, राइट। तो यस आपके नेक्स्ट डेफिनेटली कुछ क्वेश्चन है और कुछ आप पूछना यस चाह सर। रहे थे? एक होता है ना कि अगर किसी को फिजिकल इलनेस है, जैसे किसी को बुखार आ गया है, तो प्रैक्टिकल तौर पे वो पहले घर पे कुछ ना कुछ कर लेगा, गर्म पानी पी लेगा या तो कोई ना कोई ऐसे नुस्खा कर लेगा। तो एज अ फैमिली मेंबर, क्योंकि हम पूरा टाइम तो हमारे फैमिली के साथ रहते हैं, तो अगर कोई पर्सन अपने डाउन फेज से जा रहा है तो एज अ फैमिली मेंबर हमें क्या करना चाहिए बिफोर गोइंग टू अ साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट? हमें क्या ऐसी बेसिक चीज करनी चाहिए जिससे उन्हें हेल्प मिल पाए? कई बेसिक क्वेश्चन, तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है और बहुत ज्यादा बेनिफिट कर सकता है ऑडियंस मेंबर्स को। मैं अपने एक्सपीरियंस के जरिए दो तीन चीजें समझा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि द पावर ऑफ लिसनिंग, आप बस सामने वाले को
टाइम देना और अटेंशन देना और उनकी पूरी बात बिना जजमेंट के, बिना इंटरप्शन के और बिना किसी प्रेशर के सिर्फ सुन लेना, ये हीलिंग का बहुत बड़ा हिस्सा है, राइट? इवन हम लोगों को काउंसलिंग में सिखाया जाता है कि फर्स्ट एक सेशन काउंसलिंग का पूरा क्लाइंट को डेडिकेट कर देना, कि उनके अंदर जो भी भरा हुआ है उसको निकलने देना, वेंट आउट करना जिसको बोलते हैं ना इंग्लिश में, तो उन्हें जब खुल के बोल पाते एक अच्छा खासा हीलिंग वहीं पे हो जाता। तो लिसनिंग इतना पावरफुल है, आप खुद भी फील करे होंगे युवराज और ऑडियंस मेंबर्स भी, कि जब कोई आपको कंप्लीट अटेंशन देके सुनता बिना अपने फोन को देखे या बिना टाइम के कुछ परवाह करे, कंप्लीट अटेंशन देके बिना जज करे, वहां पे आप कितना की बेटर फील करने लगते हैं। तो उसके बाद जब आप थोड़ा स्टेबिलिटी गेन करते हैं, फिर आप और आपके फैमिली या फ्रेंड्स मिलके कुछ ऑनलाइन रिसोर्सेस एक्सेस कर सकते हैं, बेसिक चीजें कि डिप्रेशन क्या है, एंग्जाइटी क्या है, ओसीडी क्या है, इसके बारे में ऑथेंटिक चीजें, यानी जो जो ट्रेंड लोग हैं उनसे ऑनलाइन कुछ सीखे, बेसिक चीजें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद आप स्लोली साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट या काउंसलर्स को अप्रोच करके आप प्रॉब्लम को समझ पाते हैं। जरूरी नहीं है कि आप शुरू में ही मेडिकेशन लेना, राइट? वो तो बहुत आगे का स्टेप है, बस उसको समझने में आपको हेल्प हो जाता। तो पहली बात है कि ध्यान से सुनना और डिस्कस करना और ऑनलाइन रिसोर्सेज को एक्सेस करना। इसके बाद yes, फर्दर जो प्रोफेशनल्स है वो जो आपको गाइड करे उसके हिसाब से आप स्लोली मूव हो सकते हैं। यस सर, यहाँ पर मैं दो चीज ऐड करना चाहूंगा कि जैसे कि आपने बोला कि कोई भी पर्सन हुई सफरिंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज, उसकी बेसिक नीड क्या है कि उसको कोई सुने, उसकी बात कोई सुने और विदाउट नॉन जजमेंटल, मतलब अगर कोई आपको कुछ भी बात बता रहा है तो उसे आपको जज नहीं करना है कि भाई तूने ये क्या कर दिया, तेरे माइंड में ऐसे थॉट्स आ रहे हैं रियली। क्योंकि मैं अगर मेरी स्टोरी से इसको रिलेट कर पाऊ तो आई वॉज लाइक कि मुझे कोई जज ना करे, क्योंकि मैं खुद खुद को जज करता था। अब जब आदमी खुद खुद को जज करता है तो इट इज लाइक वो सामने वाले से कैसे एक्सपेक्ट करेगा कि उसको जज ना करे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर कोई पर्सन आपके साथ ने अपनी लाइफ की कोई स्टोरी शेयर करता है या तो आपसे हेल्प मांगता है, तो आप विदाउट एनी नॉन जजमेंटल कि भाई अभी कोई पर्सन, लेट एग्जांपल हम देते हैं कि आपका कोई फ्रेंड है और अगर आपको आके पूछता है कि लाइक यार भाई मैं तो दारू पीने लगा हूँ आजकल, और विदाउट एनी लिसनिंग यू आर लाइक भाई दारू पीनी चाहिए ऐसे है, ये बहुत ही गंदी चीज होती है, नशीली चीज होती है, बट भाई पहला सवाल आपका क्या रहना चाहिए कि भाई क्या दिक्कत हो गई आपने, मतलब क्या ऐसी कौन सी सिचुएशन आ गई को आपको अल्कोहल पीनी पड़ी। फिर मे बी वो आपको बता सकता है कि यार मेरे साथ ये हो गया वो हो गया। तो जो वो फर्स्ट स्टेप है द पावर ऑफ लिसनिंग विदाउट एनी जजमेंट, वो बहुत ही वर्क करती है। क्योंकि जब आप किसी के अंदर पे आप किसी के अंदर चीजें कब डाल पाओगे, जब उसको खाली कर पाओगे। तो पहले तो हमें क्लाइंट की चीजें खाली करनी है, जाननी है कि भाई क्लाइंट को दिक्कत कहाँ पे आ रही है, मतलब डिटेल में क्लाइंट के बारे में हमें सब चीज पता होनी चाहिए कि ये चीज हुई वो चीज हुई। क्योंकि यहाँ पे होता क्या है कि अगर क्लाइंट कोई भी चीज हमें बता रहा है और वहां पे हमने कोई अगर हमारा पर्सपेक्टिव या तो हमारा कोई पर्सनल चीज हमें हमने लाके खड़ी कर दी कि है आपको ऐसा हो गया था, तो फिर क्लाइंट वहां पे रुक जाएगा कि थोड़ा डर जाएगा कि अभी मैं आगे बात बताऊं या ना बताऊं। तो यस, यू हैव टू बी अ वेरी नॉन जजमेंटल एंड द पावर ऑफ लिसनिंग विद इन यू, राइट? सबके लिए है, मतलब ये जो जितने भी लोग लाइक बेसिक्स किसी को जानना है कि हाउ समवन कैन हेल्प अ पर्सन हु इज स्ट्रगलिंग फ्रॉम मेंटल हेल्थ इश्यूज, तो आप ये कर सकते हो। Right. और मैं ऑडियंस मेंबर्स को कुछ अंदर के इनसाइट देना चाह रहा था कि जैसे युवराज और मैं साइकोलॉजी फील्ड से है, राइट? तो कुछ ऐसे चीजें हम लोग सीखते हैं और कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स अप्लाई करते हैं जो आप लोगों को शायद सरप्राइजिंग लगेगा या इम्प्रेसिव या इंटरेस्टिंग लगेगा। तो मैं कुछ फील्ड के अंदर की चीजें शेयर करना चाह रहा था युवराज जो बोले उसको कनेक्ट करते हुए। तो हम लोगों को जब ट्रेनिंग मिलता है मल्टीपल सेमेस्टर्स तक हम लोग ट्रेन होते हैं इन जनरल कि काउंसलिंग कैसे करना है, राइट? तो मेरे टाइम पे मल्टीपल सेमेस्टर स्पेंड कर रहे थे हम लोग इस स्किल के ऊपर। तो इसमें नॉन जजमेंटल बोल के रहता ना कि हम सामने वाले को जज नहीं करना है एट एनी कॉस्ट। इवन हम लोगों को ये हद तक सिखाया गया और ये लीगली भी ऐसे ही है जैसा मैं बोल रहा हूँ एग्जैक्टली विदाउट इन एग्जेजरेशन, कि अगर आपके पास एक क्लाइंट आया और वो बोला कि मैं किसी का मर्डर करके आया तो भी आपको जज नहीं करना है। वो लेवल तक हम लोगों को ट्रेन किया जाता है कि आप इमेजिन करिए कोई मर्डर करके आ गया फिर भी आप उसको जज नहीं करना है, क्योंकि पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि जो आपका क्लाइंट है वो मेंटली अनस्टेबल है या वो कॉन्शियस ही नहीं था जब उसके हाथ से वो क्राइम हो गया, कुछ भी एन नंबर ऑफ रीजंस हो सकते हैं।
इवन आपको पर्सनली वो सिचुएशन में वो गलत भी लग रहा, एज ए साइकोलॉजिस्ट आप उसको जज नहीं कर सकते। और पुलिस को आप रिपोर्ट सिर्फ उसी केस में करना रहता है जब और पॉसिबिलिटी है, वो किसी और को भी मर्डर कर सकता या फिर वो खुद सुसाइड करना करने के चांसेस है, अगर यानी खुद को नुकसान पहुंचाने के चांसेस है या किसी और को नुकसान पहुंचाने की पॉसिबिलिटी है, जब आप लीगली आपका फर्ज है कि आप जाके उसको पुलिस में रिपोर्ट करना विथ ऑल कॉन्फिडेंशियलिटी, बिना कहीं और रिवील करे, तो उसको एक लीगल वे में प्रोसीड कर दे। लेकिन शॉकिंग चीज ये है जो मैं अभी बोला था कि ऑलरेडी मर्डर हो चुका है लेकिन आगे पॉसिबिलिटी नहीं है, तो कॉन्फिडेंशियलिटी इतनी स्ट्रिक्ट है कि आप वो क्लाइंट का डिटेल कहीं शेयर नहीं कर सकते, ना लीगली आप किसी को शेयर कर सकते, बस आपको नॉन जजमेंटली सुनना है और उनको उस चीज को रिजोल्व करने में हेल्प करना है। आप इमेजिन करिए कि क्राइम को तक आप छुपाना पड़ रहा क्लाइंट की कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करने, ये हद तक हम उस एथिकल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करते हैं। ये सुनने में कुछ लोगों को कंफ्यूजिंग या अजीब लग सकता है, जैसे एक एग्जांपल शेयर करना चाह रहा था मैं कि हम क्या लेवल तक एथिकल स्टैंडर्ड्स को हम लोग फॉलो करते हैं। और इवन इमेजिन करिए कि आपके कोई फैमिली फ्रेंड या आपके फादर के कोई फ्रेंड भी आपके क्लाइंट बन के आ रहे, तो आप अपने फादर को नहीं बोल सकते कि वो क्लाइंट आ रहे हैं आपके पास। तो वो लेवल तक हम लोगों के सीक्रेट्स को प्रोटेक्ट करते हैं और उनका नाम और आइडेंटिटी कंटेंट हर चीज प्रोटेक्ट करते हैं। तो इन केस अगर आप लोग हेजिटेट कर रहे साइकोलॉजिस्ट के पास जाने ये डर से कि कहीं आपकी पर्सनल प्रॉब्लम बाहर लीक ना हो जाए, तो आप सेटिस्फाइड रहिए कि ये हम लोग बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। और आप जो भी सोच रहे कि आपका अजीब प्रॉब्लम है या सीवियर प्रॉब्लम है, आप ये मान लीजिए कि उससे अजीब, उससे और ज्यादा अजीब प्रॉब्लम्स वो साइकोलॉजिस्ट देखे जरूरत है, क्योंकि हम लोग इतने अजीब अजीब बीमारियों के बारे में पढ़ते हैं कि आप जो चीज को अजीब समझ रहे शायद वो नॉर्मल हो। Yes, definitely. क्योंकि बहुत मतलब मैं तो फनी वर्ड यूज कर रहा हूँ लेकिन एक्चुअली उनके लिए पेनफुल रहता, लेकिन बहुत अजीब अजीब स्टोरीज सुनने में आते हैं कि कोई लोग अपने बाल निकालते हैं और कुछ बाल खाने लगते हैं, ट्राइकोटिलोमेनिया एक बीमारी है और ओसीडी है जिसमें ज्यादा हाथ धोते वगैरह, और उसके सीवियर केसेस ऐसे है कि जहाँ पे आपका स्किन का लेयर्स निकलने लगते हैं सीवियर ओसीडी में, तो इस पर हम लोग आगे इसको एलैबोरेट करेंगे। तो पॉइंट यही था कि आपको कितना भी लगे कि आपकी बीमारी अजीब है या सीवियर है, आप हेजिटेट मत करिए क्योंकि उससे अजीब बीमारी साइकोलॉजिस्ट देखे जो ऑलरेडी। सही बात बोली सर आपने कि हेल्प इज ऑलवेज देयर, बट आपको एक वो पहला कदम उठाना है कि आपको आपके लिए खुद खड़े होना है कि मुझे हेल्प चाहिए। और ये दिखने में आपको बहुत ही छोटा लगेगा कि आई वॉन्ट टू टेक हेल्प, बट जब आप ये चीज उस टाइम पे बोलते हो और देन आफ्टर वन ईयर उस आप चीज को आप देखते हो, तो आपको पता लगेगा कि यार वो बहुत बड़ी चीज थी उस टाइम पे जो मैंने की। तो यस, दिस इज समथिंग व्हिच इज अ वेरी बिग थिंग। और वो एक सही, बिल्कुल सही बात, और वो एक डिसीजन कि आई नीड हेल्प, यानी कि आप अपने प्रॉब्लम को एक्नॉलेज कर दिए कि आई एम फेसिंग समथिंग, मेरे साथ कुछ हो रहा है और मेरे को हेल्प की जरूरत है, जैसे युवराज बोले, वो चीज आपके बहुत बड़ी जर्नी की शुरुआत हो सकती है, वो एक फैसला आपका। तो अगर ऑडियंस मेंबर में से कोई जो आप लाइव सुन रहे हो या बाद में यूट्यूब पे सुन रहे हो, आपको थोड़ा भी हेजिटेशन है जाना या नहीं जाना, इवन आप कंप्लीटली नॉर्मल होंगे, लेकिन एक विजिट जरूर करिए साइकोलॉजी का, चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन, क्योंकि उसके बाद आपको जो बेनिफिट मिलेंगे ना, वो आप एक बार मिलने के बाद ही इमेजिन कर पाते, उससे पहले आप इमेजिन नहीं कर पाते, क्योंकि लिटरली लाइफ चेंजिंग है आप अगर ट्रूली किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट के पास कराए। इसके ऊपर सर मैं एक 2 मिनट की मेरी स्टोरी शेयर करता हूँ कि मैंने कब पहली बार मतलब घर पे बताया था। मुझे 9th स्टैंडर्ड से ये सब चीजें चालू हो गई थी और मेरा 12वीं का रिजल्ट आया था, इट इज लाइक कोई एग्जाम था उसका रिजल्ट आया था, तो मैं स्कूल में गया था रिजल्ट देखने, एंड आई वॉज लाइक मुझे स्कूल में सब लोग एज ए टॉपर की तरह जानते थे और मेरी पढ़ाई वढ़ाई भी ऐसी थी। तो जब मेरा रिजल्ट आया तो मुझे याद है कि कोई एग्जाम थी और उसकी पिछली रात को मैं पूरी रात को मैं रोया था क्योंकि मैं पढ़ नहीं पा रहा था, कुछ नहीं कर पा रहा था। एंड व्हेन द रिजल्ट वाज डिक्लेयर्ड, तो वहां पे मैं देख रहा हूँ कि जो बच्चा मुझसे एडवाइस लेने आ रहा है कि भाई क्या पढ़ना है क्या करना है, उसका नाम उसका फोटो मैं अपने सामने स्कूल पे देख रहा हूँ एंड मेरा फोटो उधर पे नहीं है। तो दैट फीलिंग वॉज लाइक कि भाई क्या हो गया मेरे साथ। फिर मैं घर पे गया एंड दैट Like, literally, मैं मेरी सिस्टर के मतलब कंधे पे रोया हूँ कि आई रियली नीड हेल्प, मतलब मुझे समझ नहीं पा रहा है, मैं मतलब इतना रोया कि मैं समझ ही नहीं आया। और मेरे फादर तो इस चीज से पूरे अवेयर ही थे, तो उन्होंने द मोमेंट ही नोस कि भाई इसको अब हेल्प चाहिए,
देन वो मुझे पहले ही उन्होंने चीज की डॉक्टर के पास मुझे ले गए। तो इट इज योर प्रायोरिटी कि आप अपने आप को कैसे हेल्प कर दे, क्योंकि आपको जो चीज महसूस हो रही है, आप जिस सिचुएशन से जा रहे हो वो आप ही समझ पाओगे। लोग आपको हेल्प करेंगे लेकिन जो 100% फीलिंग है वो आप खुद ही समझ पाओगे। तो हेल्प इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और ये मेरा खुद का कोट है कि आस्किंग फॉर हेल्प इज हार्डर देन गिविंग हेल्प। बहुत ये बहुत अच्छा ही कोट है। हाँ हाँ, मैं ये मेंटल हेल्थ की, मैं अगर मैं दुनिया में चला जाऊँ तो ये वाला कोट बहुत ही लाइक इम्पोर्टेंट है कि आस्किंग फॉर हेल्प इज हार्डर देन गिविंग हेल्प। तो ऑडियंस मेंबर्स, आप लोग इस बारे में और डीपली सोचिए कि क्या हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं युवराज की स्टोरी से, और इतनी अच्छी एनकरेजिंग स्टोरी हमारे लिए कि कैसा इतने चैलेंजेस के बाद भी उन्होंने ओवरकम करे चीजों को, राइट। तो यहाँ से एक कोट ये मिला कि आस्किंग फॉर हेल्प इज मोर डिफिकल्ट देन गिविंग हेल्प, यानी आप, क्योंकि हेल्प आप कर देते हैं आपको उसमें कुछ गिल्ट या कुछ एम्बेरसमेंट नहीं है, राइट। आपको अच्छा फील होता है, सामने वाला आपको तारीफ कर देता है, कुछ आपको मिल जाता है बेनिफिट उससे। लेकिन जब आप हेल्प पूछते हैं, जब आप वल्नरेबल स्टेज में रहते, वीक रहते हैं, हो सकता है सामने वाला आपको एक्सप्लॉइट करे, आपका मजाक उड़ाए या जो भी, राइट। तो इसलिए हिम्मत बहुत लगती है हेल्प पूछने के लिए, बोलना किसी को जाके कि मुझे हेल्प की जरूरत है, ये बहुत डिफिकल्ट है। अगर आप में से कोई इस चीज पे स्ट्रगल कर रहे हैं तो इसको इंस्पिरेशन के तौर पे लेके वो फर्स्ट स्टेप जरूर उठाइए। यस सर, डेफिनेटली। एंड और सर, हाँ प्लीज कंटिन्यू। लोगों के माइंड में अक्सर ये वाला सवाल उठता है कि मैं किसको जाके बताऊं, लाइक मेरी लाइफ में तो कोई नहीं है जिसको जाके मैं बताऊं। लेकिन हर एक के लाइफ में आप अगर ध्यान से ऑब्जर्वेशन करोगे या देखोगे तो मिनिमम देर आर 2 और 3% जो हर एक के लाइफ में होते ही होते हैं। बट द पॉइंट इज दैट दे आर हेजिटिंग विद टॉकिंग विद देम। वो उनसे बात करने से डरते हैं कि भाई वो क्या सोचेगा, वो क्या करेगा। तो ये मैंने कहीं पे सुना था कि अगर आपके लाइफ में 1 या 2% ऐसे हैं जिसके साथ आप खुल के बात कर पा रहे हो, कुछ भी बात कर रहे हो, गाली दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, आपके मन में जो भी भावनाएं आ रही है वो भी आप उनको बता दे रहे हो, तो आप मतलब 90% इलनेस से आप बच जा रहे हो। क्योंकि मैं जो आपके मेंटल इलनेस से उधर से ही सारी फिजिकल हेल्थ का आपका चालू हो जाता है ना। राइट। तो लाइफ में ये मैं लोगों को गाइड करता हूँ कि आपकी लाइफ में मिनिमम 1 या 2% ऐसे होने ही चाहिए जिसको आप रात को कॉल करके भी बता पाओ कि भाई दिक्कत हो रही है, मेरी बात सुन ले, और वो आपको बोले ना कि हाँ भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बोलते हैं ना कि द पावर ऑफ लिसनिंग, वो आपके पास सुनने वाला कोई चाहिए। ये और हर एक की लाइफ में होता है। ये लोग बोलते हैं कि मेरी लाइफ में नहीं है, मेरी लाइफ में नहीं है, लेकिन वो उनकी आलस है, वो उनकी आलसपन होती है कि वो ट्राई ही नहीं करना चाहते हैं। हर एक की लाइफ में कोई ना कोई होता है। और अगर आपकी लाइफ में कोई भी नहीं है तो हम लोग भी हैं ऑनलाइन काउंसलिंग देने के डेफिनेटली डेफिनेटली लिए। ठीक है। तो और आप जो बोल रहे थे ना, ये बहुत अच्छा लगा, इनसाइटफुल आइडिया लगा कि कोई ना कोई ऐसे डिफॉल्ट पर्सन रहना कि आपको दिमाग में कुछ भी फील हुआ तो बेझिझक आप उसको कांटेक्ट करना, और उसके लिए पहले से आपको थोड़ा कंटेक्स्ट सेट करना पड़ता है कि अगर वो कोई ट्रस्टेड फ्रेंड है या आपके पेरेंट या ब्रदर या जो भी है आपके जिसको आप ट्रस्ट करते हैं, पहले से उनको थोड़ा बहुत मालूम रहना कि ये बंदा कुछ चैलेंजेस फेस कर रहा है। तो उससे क्या होता है ना, अगर आप आधी रात को भी कॉल करें, आपका नाम देख लिए तो इमिडिएट वो कॉल रिसीव करना। तो यस पहले से वो एक बॉन्ड एस्टेब्लिश करके रखना और ये बता देना कि कुछ प्रॉब्लम चल रहा बोल के, ताकि वो अवेलेबल रहना। और ये बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है, आप अगर इसको डीपली समझ पाए ऑडियंस मेंबर्स, कि आपके दिमाग में जब भी कुछ भी फील हो, आप एक बंदे को फिक्स कर दिए कि इसको अप्रोच करना है ना, आपका प्रेशर हट जाता है आपके दिमाग से। नहीं तो क्या होता, वो सोच में आप अटक जाते हैं। कई लोग जो डिप्रेशन में रहते हैं, कई कई दिन घर से नहीं निकलते, या अपना हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाते, हेल्थ नहीं मेंटेन कर पाते, फूड स्लीप हर चीज डिस्टर्ब हो जाता है, राइट, क्योंकि वो एक लूप में अटक जाते हैं। तो वो फर्स्ट पर्सन जिसको आप कांटेक्ट करते हैं, जो भी आपका ट्रस्टेड मेंबर हो, फैमिली मेंबर या जो भी, वो आपको ये लूप से निकालने में फर्स्ट स्टेप है। साइकोलॉजिस्ट तो बाद में आएंगे ना, फर्स्ट आपके जो इमीडिएट सराउंडिंग है उन लोग सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं। और मैं ये मोमेंट यूज करके पेरेंट्स और जो गार्डियंस है, टीचर्स है, उनको भी ये मैसेज देना चाह रहा हूँ। हम लोग यहाँ युवराज की स्टोरी से और जो भी हम डिस्कस करें उससे क्या सीख पा रहे, देखिए कि बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं और आप इतने सेंसिटिव रहना कि आप उसको आइडेंटिफाई कर पाना, राइट। सिर्फ हम सोसाइटी के प्रेशर में आके अगर बच्चों को सफर होना छोड़ दिए तो वर्स्ट केस सिनेरियो वो सुसाइड तक भी जा सकते हैं, या फिर सालों साल सफर कर सकते हैं। और इमेजिन करिए कि इंसान सालों साल सफर कर रहा और वो खुश नहीं है लाइफ में, ये कितना मतलब पेनफुल एक एक्सपीरियंस है, राइट।
तो आपके हाथ में वो पावर है कि आप उसको उससे निकाल निकाल। और अगर आपके सिटी में साइकोलॉजिस्ट नहीं है तो कई लोग ऑनलाइन सर्विसेज देते हैं। अगर आप फाइनेंशियल कुछ इश्यू है तो कई ऐसा फ्री हेल्पलाइन नंबर्स है, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फ्री ऑफ कॉस्ट साइकेट्रिस्ट अवेलेबल है, मेडिकेशन अवेलेबल है। तो जो भी बैरियर्स आपके दिमाग में है ना, उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता। हो सकता है आपकी सिचुएशन मुश्किल हो, लेकिन सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। यस सर, यहाँ पे मैं एक चीज नोट आउट नोट डाउन करना चाहूंगा कि जो आपने बोला ना कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेंटली सफर कर रहे हैं लेकिन वो अपनी लाइफ एज अ स्टेबल तरीके से जी रहे हैं। इन द साइकोलॉजी ऑफ साइकेट्री देयर इज अ वन टर्म डिस्थाइमिया, जहां पे अगर कोई डिप्रेशन के सिम्टम्स उसको 2 साल से भी ज्यादा टाइम तक है और वो अपनी लाइफ में सब कुछ अच्छे से कर रहा है, और लेकिन उनको ऐसा लगता है कि भाई उनकी लाइफ में सब कुछ है लेकिन वो खुश नहीं है, तो इसको डिस्थाइमिया बोलते हैं। तो बहुत सारे लोगों को अभी डिस्थाइमिया के बारे में पता ही नहीं होगा क्योंकि उनको इतनी अवेयरनेस ही नहीं है कि दैट सेंस ऑफ कि भाई लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। उनके पास सब कुछ है, पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, अच्छी बीवी है, लेकिन दैट सेंस कि भाई मजा नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है। तो दैट इज ऑल्सो मेंटल हेल्थ इशूज, ये आपको समझना पड़ेगा कि भाई आपके पास सब कुछ है, आपके पास रोटी कपड़ा मकान, ये चार की चार बेसिक चीज है, तभी भी आपको अच्छा नहीं लग रहा है। दिस इज समथिंग विच इज अ वेरी बिग इशू। और कैसे है, रोटी कपड़ा मकान लेवल 1 है, उसके बाद पीस ऑफ माइंड भी है जो लोग उसकी बात नहीं करते, राइट। आपको रोटी कपड़ा मकान मिल जाता है, और पीस ऑफ माइंड भी जरूरी है। जैसे मास्लोस हायरार्की बोल के जो कॉन्सेप्ट है ना, आपके बेसिक नीड्स क्या है बोल के वो थ्योरी बताता है। उसमें आगे के स्टेप्स में यही है कि आपको पीस ऑफ माइंड होना है, स्टेबिलिटी सिक्योरिटी होना है, राइट। लेकिन हम लोग कभी उस तक पहुंच नहीं पाते, तो वो समझना जरूरी है। और एक मैं इंटरेस्टिंग एग्जांपल देना चाह रहा था, आप बोले ना डिस्थाइमिया बोल के, जो ऑडियंस अगर आप वो वर्ड समझ भी नहीं पाए तो कुछ इश्यू नहीं है, बस कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि वो बंदा डिप्रेशन में है और सालों साल उसमें जी रहा। दिखने में ऐसे लग रहा है कि सब नॉर्मल है, लेकिन फिर भी कुछ मिसिंग है, वो हैप्पीनेस मिसिंग है। तो ऐसे भी डिसऑर्डर्स है जहाँ पे वो सालों तक स्टेबल लगता बाहर से, लेकिन अंदर अंदर सफर होते रहता। इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छे से ये है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल ये है कि इमेजिन करिए आपके बैकग्राउंड में कुछ आवाज है, नॉइस है, जो बहुत देर से बहुत घंटों से बज रहा, राइट। आप वर्क कर रहे, थोड़ी देर के बाद आपका माइंड उसको फिल्टर कर देता, राइट। अगर बैकग्राउंड में कुछ गाना चल रहा है या कुछ भी चल रहा, आपका माइंड उसको फिल्टर कर देता और आप उसको हटा देते अपने ध्यान से। लेकिन जब वो बंद होता, आपको सडनली ऐसा एक डेफनिंग साइलेंस जिसको बोलते ना, एकदम सन्नाटा महसूस होता। जब तक तो वो चल रहा था घंटों तक आप भूल गए उसके बारे में, लेकिन एक बार जब वो हटा ना, तो आपको लगा कि अरे मैं इतने टाइम से इतने नॉइस को फेस कर रहा था। आप डिसेंसिटाइज होते, हमारा ब्रेन ऐसे ही वर्क करता। आप पेन को ले सफर करते करते पेन में, या फिर नॉइस है या हीट कोल्ड कुछ भी, लेकिन जब आप उससे निकलते ना, आपको रियलाइज होता कि अरे मैं ये मिस कर रहा था बोल के। और मैं यहाँ पे क्लेम ये करना चाह रहा हूँ कि कई लोग होंगे ऐसे जो ट्रू मेंटल हेल्थ और ट्रू स्टेबिलिटी कभी फील ही नहीं करे, तो उनके पास वो रेफरेंस पॉइंट ही नहीं है ना कंपेयर करने के लिए। अगर वो पूरी जिंदगी या एक जिंदगी का मेजर हिस्सा एक बुरी मेंटल हेल्थ को लेके जिए, तो आप कभी वो ट्रू पीस फील ही नहीं करे, राइट। तो कंपेयर कैसे कर सकते हैं? तो एक बार वो स्टेप उठा के तो देखिए कि क्या डिफरेंस महसूस होता है आपको। यस सर, मैंने ये आई थिंक WHO की वेबसाइट पे भी पढ़ा था कि मेंटल हेल्थ इश्यूज आर द वन ऑफ द टॉप रीजन फॉर डिसेबिलिटीज इन पीपल। जितने भी डिसेबिलिटीज होती है पीपल में, उनमें मेंटल हेल्थ का बहुत ही बड़ा रोल है। तो ये भी लोगों को नहीं पता है कि उनको, अगर लोगों को लगता है कि मुझे हार्ट अटैक आया तो उनकी नसें ब्लॉक है, लोगों को लगता है कि मुझे कोई चेस्ट में पेन है तो उनको कोई और दिक्कत है, लेकिन भाई आपका वो स्ट्रेस है जो आपको कहीं ना कहीं से दबा रहा है, वो स्ट्रेस आपका सालों साल तक नहीं निकलता है, तो वो आपका टर्न इन टू फिजिकल हेल्थ में चला जाता है, डायबिटीज में चला जाएगा आपका, फिर ब्रेन की बहुत सारी बीमारी रहती है, डिमेंशिया में चला जाएगा, फिर आपको स्ट्रोक आने लगेगी, बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीजें हो जाती है फिर यहाँ पे। राइट। तो अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग मेंटल हेल्थ चीजों से सफर कर रहे हैं और वो फिजिकल सिम्टम दिख रहे हैं, फिजिकल सिम्टम्स का ट्रीटमेंट ले रहे हैं आप लोग से जाके, लेकिन पैरेलल में जो एक इतना बड़ा फील्ड है मेंटल हेल्थ, वो इम्पैक्ट कर रहा है आपको। अगर आपको हार्ट का प्रॉब्लम है तो डॉक्टर ये बोलते हैं कि एक्सरसाइज करो, वॉकिंग करो वगैरह बोल के, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कई डॉक्टर्स ये नहीं बोलते कि आपको साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ। हो सकता है आसपास साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल ही ना हो, तो यहाँ पे बहुत बड़ा एक इंफ्रास्ट्रक्चर या सोसाइटी का इशू आ रहा है, राइट, कि साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल ही नहीं है कई जगहों पे, या फीस बहुत ज्यादा है। ये सब एक्चुअल बैरियर्स है जो लोग फेस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका सोल्यूशन निकालना जरूरी है कुछ अल्टरनेटिव्स के थ्रू।
यस सर डेफिनेटली गवर्नमेंट ने भी इसका सॉल्यूशन निकाला है कि देर आर सो मेनी हेल्पलाइन नंबर्स जहाँ पे आप अपने आइडेंटिटी छुपा के बात कर सकते हो। लाइक वो आपसे पूछेगा कि वो आपको आपका नाम भी नहीं पूछते है और बोलते हैं कि व्हाट इज बॉदरिंग यू, आप हमें बता सकते हो। देर आर सो मेनी एप्स। लाइक मैं पेरेंट्स से बात करने से पहले ये सब चीजें मैं कर चुका हूँ। मैं सारी वेबसाइट पे चला गया, सारी ऐप पे चला गया, मैंने बातचीत की वो। लेकिन जो मेन चीज होती है दैट कम्युनिकेशन, दैट हग फ्रॉम योर फैमिली, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक वो आपको नहीं मिलेगा तब तक आप पूरी तरह से उससे रिलीफ नहीं हो पाओगे। तो वो सब चीजें बेसिक के लिए अच्छी है कि आपको थोड़ा बूस्ट मिल जाए आपकी ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन द प्राइमरी हेल्प इज साइकेट्रिक एंड साइकोलॉजिकल हेल्प। उसके अलावा तो आप इन सब चीजों से बाहर नहीं निकल पाओगे। एंड स्पेशली लोगों को साइकेट्रिस्ट के बारे में पता है, लेकिन साइकोलॉजिस्ट के बारे में लोगों को नहीं पता है। लोगों को वो भी नहीं पता है कि इंडिया में साइकेट्रिस्ट से ज्यादा साइकोलॉजिस्ट की कमी है। ये चीज भी बहुत ही लाइक वर्स्ट सिनारियो है। तो दिस इज समथिंग दो पीपल को समझना चाहिए। लोगों को ऐसा लगता है वो थेरेपी के बारे में सबसे बड़ा वो मिथ है कि थेरेपी इज लाइक ओनली अ टॉकिंग, कि सामने बैठ के बातचीत होती रहेगी, वो कुछ नहीं होगा। लेकिन उनको नहीं पता कि देयर आर सो मेनी थिंग्स इन थेरेपी। आप अपने खुद के बारे में जान सकते हो, आप अपनी वीकनेस, आपकी स्ट्रेंथ के बारे में जान सकते हो, प्रॉब्लम की रूट कोज को जान सकते हो, हाउ टू टैकल थॉट्स, लाइक जो आपके माइंड में थॉट्स आ रहे हैं नेगेटिव थॉट्स, उसको कैसे टैकल करना, उसको आपको कैसे रीअरेंज करना, ये बहुत सारी चीजें हैं लाइक साइकोलॉजी में। बिकॉज जस्ट बिकॉज ऑफ अवेयरनेस, क्योंकि साइकोलॉजी इज अ वेरी न्यू थिंग इन आवर लाइक 300 या 400 साल से आई हुई फील्ड आई थिंक। तो लोगों को उसके बारे में उतना पता नहीं है, तो दैट्स वाई दिस इज समथिंग जो अवेयरनेस के साथ ही सॉल्व हो सकता है डे टू डे। तो यहाँ पे अवेयरनेस की बहुत बड़ी कमी है, राइट? यस सर। और ऑडियंस मेंबर कोई मैसेज में पूछे कि क्वेश्चंस है पोस्ट कर सकते क्या, तो आप सब ऑडियंस मेंबर से रिक्वेस्ट है कि आप जो भी क्वेश्चन पूछना चाह रहे चैट बॉक्स में डाल दीजिए, तो अगर टाइम परमिट करे तो हम लोग उसको क्वेश्चंस को आंसर करेंगे लास्ट में। यस सर। तो मैं चाह रहा था कि युवराज जी प्रॉपर टाइम में हम लोग जो बेसिक कुछ डिसऑर्डर्स है कि डिप्रेशन क्या है, एंग्जाइटी क्या है, ओसीडी क्या है, ये चीजों के बारे में बहुत ब्रीफली बता देंगे। तो आप स्टार्ट करना चाह रहे, डिप्रेशन क्या है, आप इसको अगर एक्सप्लेन कर पाए तो। यस सर। डिप्रेशन, डिप्रेशन इज लाइक लोगों को जो लगता है कि डिप्रेशन क्या है कि भाई थोड़ा हंसी उदास हो गए, थोड़े बैठ गए, थोड़े रोने लगे, ऐसा नहीं है डिप्रेशन के। लेकिन जो डेफिनेशन है डिप्रेशन की, जो 6 या 7 सिम्टम्स है वो आपको 2 वीक तक होने चाहिए। पहली चीज होती है कि जो चीज में आपको मन लगता था, जो आपकी सबसे अच्छी चीज थी, मतलब आपको रात को उठा दे के भी बोल दे कि भाई ये चीज आपको करनी है और आप करने लग जाओ, वो चीज करने को भी आपको मन नहीं लग रहा है अभी। आइसोलेशन, आप लोगों से आइसोलेट हो जाते हो, बॉडी वेट कम हो जाना या ज्यादा हो जाना, भूख लगना या ना लगना, रोना, दैट फीलिंग लाइक होपलेसनेस, लाइफ में कुछ दिख ही नहीं रहा है कि भाई अभी लाइफ में कुछ होगा, वर्थलेसनेस, खुद की ही कीमत नहीं समझना, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, गिल्ट का भाव आना, फीलिंग ऑफ सुसाइडल, सुसाइड के बारे में विचार आना, थॉट्स आना, किसी से बातचीत नहीं करना, कम्युनिकेशन एकदम डाउन कर देना। तो इनमें से अगर आपको 6 या 7 सिम्टम्स 2 वीक तक है, तो इसको हम एज अ साइकोलॉजी की या तो साइकेट्रिक लैंग्वेज में डिप्रेशन कह सकते हैं। लेकिन ऑल दो इसके लिए भी आपको साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के पास जाके डायग्नोस करवाना पड़ता है, क्योंकि आप कभी भी खुद के डॉक्टर नहीं बन पाओ। मतलब इट इज नॉट गुड टू बी योर ओन डॉक्टर, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज। तो युवराज आप आंसर बहुत अच्छे से करें, मैं समझता हूँ कि आपके क्लिनिकल साइकोलॉजी के जो टीचर है बहुत अच्छे से पढ़ाए, क्योंकि आप वो पॉइंट बोल पाए जो मैं भी रिकॉल नहीं कर पा रहा था, राइट? तो जस्ट मैं जो कर रहा हूँ, आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करें ना हर सिम्टम को, यस सर, ठीक है? मैं बस ऑडियंस को एंगेज रखने के लिए थोड़ा ह्यूमर यूज कर रहा था बीच में। तो युवराज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करे कि डिप्रेशन क्या है बोल के। तो एक दो चीजें मैं यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ ऑडियंस मेंबर्स को। जब भी हम साइकोलॉजिकल बीमारी की बात करते हैं, हम लोग क्या करते हैं पता है, छोटी मोटी चीजों को बीमारी का लेबल लगा देते हैं। अगर कोई बंदा है जो चीजों को थोड़ा ऑर्गेनाइज करने लगे तो बोलते कि अरे इसको तो ओसीडी है, या थोड़ा लो हो जाए तो डिप्रेशन है बोल देते हैं, एग्जाम के टेंशन को एंग्जाइटी बोलते हैं। तो यहाँ पे ये बहुत मेजर इश्यू है, क्योंकि जब हम उतने बड़े हैवी लेबल्स को इतना इजीली यूज करने लगे ना, तो किसी को जब एक्चुअल बीमारी रहती जब वो लेबल फीका पड़ जाता, तो वो लेबल को हम जितना हो सीरियस है उसको थोड़ा सीरियस रखे तो बेहतर है, स्पेशली
स्पेशली जब जबकि वो लोगों को मिसलीड करने के चांसेस है, जब सामने वाला अवेयर नहीं है आप क्या मीनिंग बोल रहे, राइट? तो हाँ, और सेकंड चीज ये है कि कौन सी भी साइकोलॉजिकल बीमारी डायग्नोस करने के लिए क्राइटेरिया ये है कि वो आपकी लाइफ में कुछ रुकावट बनना, यानी कि आपकी डेली जो फंक्शनिंग है उसमें आड़े आना, अगर जो फंक्शनिंग में कुछ अगर रुकावट आ रही तो जब जाके उसको आप बीमारी बोलते हैं, अगर वो उसके लेवल से नीचे है तो उसको आप बीमारी में कंसिडर नहीं कर सकते। जैसा ये तो डिफरेंस है डिप्रेशन और जस्ट नॉर्मल सैडनेस में। नॉर्मल सैड होना एक नॉर्मल चीज है, हम इंसान सैड फील करते हैं, लेकिन वो कई सिम्टम्स है जो आप इतने वीक्स तक ये सिम्टम्स अगर फेस कर रहे हैं और प्रॉपर क्वेश्चनेयर के थ्रू आपका टेस्ट हुआ, जब जाके बोल सकते हैं आपको डिप्रेशन है, उसमें भी माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर अलग अलग लेवल्स है। तो डिप्रेशन वर्ड बहुत हैवी वर्ड है, नॉर्मल सैडनेस नहीं है, वो एक बहुत बुरी बीमारी है और उसको एक बीमारी की वजह से ट्रीट भी करना चाहिए और उसका जो इलाज डिजर्व करता है वो इलाज भी करना चाहिए फॉलो अप करके। यस सर, यहाँ पे एक चीज होती है कि डिप्रेशन में जो रहता है उसको ना नहाने का मन करता है, ना खाने का मन करता है, कुछ भी और कर, मतलब उसकी बेसिक एक्टिविटीज है लाइक जो सुबह उठ के उसको नहाना होगा, खाना होगा, पीना होगा, लोगों से बातचीत होना, वो सब उसका बंद हो जाता है। इट इज लाइक वो पपेट है, मतलब वो बैठा हुआ है, उसके माइंड में बहुत सारी चीज चल रही है लेकिन उसे पता ही नहीं लग रहा है। तो जो बेसिक चीज है लाइफ की वो भी वो नहीं कर रहे में उसको बहुत ही दिक्कत आ रही है, तो इट इज कॉल्ड एज अ डिप्रेशन। लेकिन आपने जैसे बताया कि आजकल लोग डिप्रेशन को एज अपने वेपन की तरह यूज करते हैं कि मुझे डिप्रेशन है, तो ये मतलब लोग सिंपैथी ले रहे हैं डिप्रेशन के नाम पे आजकल। ये जो लोग ये वर्ड यूज करना कॉमन हो गया ना, इसके बारे में मेरा मिक्स्ड फीलिंग है। एक तरफ ये है कि कहीं ना कहीं एटलीस्ट चलो लोग बात तो कर रहे हैं इस बारे में, ये बहाने से अवेयरनेस मिल जाएगा, चाहे मीम्स के जरिए हो चाहे ह्यूमर के जरिए हो, और एक तरफ एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है जो मैं अभी बोला कि वो वर्ड्स का मीनिंग फीका पड़ जा रहा, वो एक्चुअल बीमारी की बजाय बस मजाक बन के रह जा रहा। और कोई बंदा अगर रियल में डिप्रेशन फेस कर रहा तो उसको वो इम्पोर्टेंस मिल रही नहीं क्योंकि वो मजाक बन के रह गया बस वर्ड। तो ये दो एंगल्स है इस चीज के, तो आपको बहुत केयरफुल रहना है ऑडियंस मेंबर्स कि आप ये वर्ड्स अगर यूज करें तो क्या कंटेक्स्ट में यूज कर रहे हैं। ह्यूमर से प्रॉब्लम नहीं है, बस डिसेंसिटाइज नहीं होना है हम लोगों को कि एक्चुअल में कोई फेस कर रहे हैं और उसको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे। Yes, sir. तो नेक्स्ट मैं चाह रहा था कि हम लोग एंग्जाइटी, अब डिप्रेशन के बारे में क्या है समझे ना, एंग्जाइटी के बारे में मैं कुछ बोलना चाह रहा था। एंग्जाइटी बेसिकली ये है कि फ्यूचर को लेके आप बहुत ज्यादा वरीड हो जाना, बस मेरे साथ क्या होगा ये सोचते रहना, और ये आपके कंट्रोल के बाहर हो जाना, और इसकी वजह से फिजिकल सिम्टम्स अगर दिखना शुरू हो गया, यानी कि आपको एसिडिटी हो रहा और आपका हार्ट बीट बढ़ जा रहा या स्वेटिंग हो रहा या आपकी बॉडी शेक हो रही या आपके बॉडी के बेसिक जो फंक्शन है उसमें कुछ डिस्टर्बेंस आ गया, तो ये सब मिला के इसको एंग्जाइटी बोलते हैं हम। ये बस कैजुअल डेफिनेशन है, ऐसा ऑफिशियल डेफिनेशन नहीं है, बस आप लोग समझने के लिए बोल रहा था। बेसिकली फ्यूचर को लेके इतना प्री ऑक्यूपाइड हो जाना कि आप नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं कर पाना। जैसे कि मैं कई पेशेंट्स को जो डील करा एंग्जाइटी के, वो उसका ऐसा था कि केस अगर ट्रैवल भी करने वाले हैं तो इतना एंग्जियस फील कर रहे थे कि वॉमिटिंग होना शुरू हो जाता था, जो रियल एंग्जाइटी है उसके सिम्टम्स बता रहा हूँ मैं, और उसको कंट्रोल नहीं कर पाना या पैनिक अटैक्स होना, ये सब इसको एंग्जाइटी बोलते हैं कि आप अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे और क्या होगा सोच रहे हैं। एंग्जाइटी स्ट्रेस से अलग है, लोग जनरली ये नहीं समझ पाते। स्ट्रेस ये है कि आप राइट नाउ प्रेशर में है, जैसे कि आप स्टेज पे ठहरे हुए हैं, सामने 100 लोग हैं और आप स्पीच दे रहे हैं, उस मोमेंट में आप स्ट्रेस में हैं। लेकिन स्टेज पे चढ़ने से पहले या उससे एक हफ्ते पहले तक जो आप सोच रहे कि अरे मुझे करना है, कैसा होगा, लोग हंसे तो कैसा, लोग मजाक उड़ाए तो कैसा, ये एंग्जाइटी है। एंग्जाइटी फ्यूचर के बारे में रहती हमेशा और स्ट्रेस करंट मोमेंट में रहता है, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है ऐसा। इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करना जरूरी है। ये बड़ी अच्छी, मतलब लाइक लोगों को पता ही नहीं था कि ये एंग्जाइटी और स्ट्रेस को लोग एक साथ कंबाइन करते थे कि मुझे एंग्जाइटी है, मुझे स्ट्रेस है, यही सब चीज वो लोग कंबाइन करके चलते हैं। एंड सर, यहाँ पे एक और चीज आ जाती है, पैनिक अटैक्स, तो उसके बारे में भी आप अगर लोगों को बता देते कि वो भी कुछ अलग चीज है एंग्जाइटी से। मैं अभी इसके बारे में एग्जैक्टली उसको डिफरेंशिएट कैसे करना ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन वो बहुत ज्यादा रिलेटेड है। और पैनिक अटैक एक बहुत ज्यादा एक स्पेसिफिक चीज है एंग्जाइटी से, एंग्जाइटी एक जनरलाइज चीज है, लेकिन पैनिक अटैक एक स्पेसिफिक एपिसोड में होता कि अगर हुआ तो 15 मिनट के लिए हुआ या आधे घंटे के लिए, और वो बहुत इंटेंस रहता है इन जनरल कि इंसान उस टाइम पे कंट्रोल खो देता। तो इसका ऑफिशियल में डेफिनेशन में भी नहीं जाना चाह रहा था, बस ये समझिए कि एंग्जाइटी एक जनरल चीज है, पैनिक अटैक एक स्पेसिफिक बिहेवियर
या एक एपिसोड है जब वो बहुत सीवियर हो जाता है, स्पेसिफिक फॉर्म में अपने आपको प्रेजेंट करता है वो, क्योंकि कई बार हम लोग मूवीज सीरियल्स में वगैरह ये वर्ड सुनते हैं, तो इसका हम थोड़ा डिफरेंस समझना ज्यादा जरूरी था। नहीं सर, आजकल मैंने सुना है कि मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं कि मुझे पैनिक अटैक्स है, मुझे पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, लेकिन जब मैं उनकी रियल स्टोरी सुनता हूँ तो पता लगता है कि दिस इज समथिंग एल्स। तो लोगों को पता नहीं रहता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पैनिक अटैक्स, एंग्जायटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन। ये बहुत ही छोटी छोटी चीज है भैया, मतलब एक बेसिक एजुकेशन नहीं है लोगों को, तो उनकी भी कोई गलती नहीं है। ये ऐसा बेसिक है कि जैसे फिजिकल हेल्थ के बारे में बात करें तो स्ट्रेंथ एक्सरसाइज और कार्डियो एक्सरसाइज में क्या डिफरेंस है, राइट? इसके लिए आपको डॉक्टर होना या बॉडी बिल्डर होना जरूरी नहीं है। बेसिक लोग भी जो हेल्थ कॉन्शियस है वो लोग डिफरेंस जानते हैं ना। तो वैसे साइकोलॉजी में भी डिप्रेशन क्या, एंग्जायटी क्या है, पैनिक अटैक क्या है, ये आप लोग थोड़ा बहुत बेसिक समझ लेना जरूरी है। और इसके लिए ज्यादा टाइम भी नहीं लगता, यूट्यूब पे आप कुछ बेसिक वीडियो देख लिए ऑथेंटिक, उससे आपको मिल जाता है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। इसके बाद हम लोग ओसीडी पे जाएंगे। ये कुछ ऐसे बीमारियों का मैं नाम ले रहा हूँ जो बहुत कॉमन है, जो लोग सफर कर रहे हैं उनमें कॉमन है, ठीक है। ओसीडी यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, यानी कि इसमें बेसिकली ये होता है कि कोई एक ऑब्सेसिव थॉट दिमाग में चलते रहता और आप निकाल नहीं पाते उसको, ये ऑब्सेशन है। ओसीडी में ये ओ है, दिमाग में एक थॉट चल रहा है और आप उसको नहीं निकाल पा रहे। नेक्स्ट सी है कंपल्शन, यानी कि वो थॉट को कम करने के लिए आप कुछ एक्शन ले रहे। और ये डी यानी कि डिसऑर्डर, एक बीमारी है। एग्जाम्पल देता हूँ मैं इसका, आपके दिमाग में बार बार ये चल रहा है कि गैस का स्टोव खुला है, बल्कि दिमाग में डर चल रहा है कि एक्सप्लोजन हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा या कुछ घर को आग लग जाएगी, राइट? ये आपको ऑब्सेशन है, इवन तो आपको मालूम कि आप चेक करें फिर भी आपके दिमाग वो आपको कंट्रोल नहीं कर पा रहा, वो उसमें बार बार थॉट चल रहा, ये ओ हो गया। सी यानी कंपल्शन, ये कि आप बार बार जाके उसको चूल्हे को चेक कर रहे, स्टोव को चेक कर रहे, या डोर लॉक करना है बार बार चेक कर रहे हैं आप जाके 10-15 बार ऐसा, ये कंपल्शन है। तो ऑब्सेशन कंपल्शन को लीड कर रहा, यानी कि एक थॉट एक एक्शन को लीड कर रहा जो रिपीटेटिव है और उसमें कुछ लॉजिक नहीं है। आप एक बार चेक करें तो बंद हो गया ना, तो ये लॉजिक के बियॉन्ड है, लॉजिकल नहीं है, तो जब जाके इसको ओसीडी बोलते हैं। इसका भी कुछ क्राइटेरिया है, आप खुद से डायग्नोस नहीं कर सकते, आपको साइकोलॉजी के पास जाना पड़ता। और इसके अलग अलग फॉर्म्स है, ये मैं थोड़ा बता देना चाह रहा था। एक तो ये है कि एक काउंटिंग से रिलेटेड है, यानी कि आप ओसीडी की जो पेशेंट्स है कुछ नंबर रहता है उनके दिमाग में, हर चीज उतने बार करते हैं, जैसे 3 बार करा तो हर चीज 3 बार करे, हर चीज 2 बार करे रिपीटेडली। और एक क्या है कि चीजों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करना है, हर चीज उनको नीट नीट होना, और थोड़ा भी टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो बेचैनी होने लगती है। नेक्स्ट है क्लीनलीनेस को लेके, यानी आपके दिमाग में एक शक बैठ जाता कि ये चीज क्लीन नहीं है, उसको बार बार धोना, कपड़ों को बार बार हाथ धोना। जैसा मैं पहले बोल रहा था कुछ टाइम पहले, सीवियर एक केस में सुना था जिसमें कोई एक लेडी सीवियर ओसीडी था, अपना हाथ इतना ज्यादा धोए कि स्किन के लेयर्स निकलना शुरू हो गए, ऊपर का स्किन डैमेज होना शुरू हो गया, वो लेवल का हैंड वॉशिंग था एक्सट्रीम। और एक ओसीडी में कि रिलीजियस वाला ओसीडी, यानी कि आपको डर है कि मैं कुछ ऐसा काम करूं जो एक सिन है, और वो एक इलॉजिकल इरेशनल वे में आपके दिमाग में एक बात अटक गई कि मैं ये करे तो ये हो जाएगा सुपरस्टिशन, तो ये रिलीजियस ओसीडी में आ सकता है। बेसिकली चेकिंग, रिपीटिंग, काउंटिंग, क्लीनलीनेस, रिलीजियस ओसीडी, ये एक बहुत ब्रॉड चीज है और वो डायग्नोस करने के बाद ही बोल सकते हैं हम लोग कि कौन सा टाइप है। यहाँ पे सर मैं एक एग्जांपल दूंगा रिलीजियस ओसीडी का, जो मैंने सुना था और विच इज लाइक मुझे बहुत ही लाइक यूनिक लगा, यूनिक इन द सेंस कि बहुत ही लोग उसको समझ नहीं पा रहे थे। वो एग्जाम्पल ऐसा था कि एक आदमी था, उसको वो अपने किसी गॉड को मतलब उनकी उसकी से गॉड के प्रति उनकी श्रद्धा थी, लेकिन उनके माइंड में उसी गॉड के प्रति सेक्सुअल थॉट्स आ रहे हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है कि अभी मैं कितना बुरा हो गया हूँ, अभी तो मुझे जो ये मेरी गॉड है वो मुझे जिंदा नहीं रहने देगी, मेरा मतलब सब खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो मतलब आपको पता है कि ये थॉट्स आपके खुद के नहीं है, ये थॉट्स बेकार के थॉट्स है, आप खुद नहीं ला रहे हो, अपने आप आ रहे हैं। और उसको रोकने के लिए आप बार बार उधर पे जाके सॉरी बोल रहे हो कि सॉरी सॉरी मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। तो आप वो जो आपके माइंड में थॉट्स आ रहे हैं वो आपको पता भी है कि काम के नहीं है, और उसको ओवरकम करने के लिए आप एक एक्शन ले लेते हो। तो ये भी एक बहुत ही सीवियर लेवल का ओसीडी है जो लोगों को नहीं पता है। ओसीडी में देयर आर लॉट्स ऑफ टाइप्स। राइट राइट।
तो युवराज जैसे एग्जाम्पल दे रहे थे रिलीजियस ओसीडी का, ये बहुत इंटेंस और सीवियर एग्जाम्पल है, राइट? कि आपको गॉड के बारे में कुछ ऐसा थॉट आ रहा कि आपको लग रहा है कि ये नहीं आना चाहिए, इससे सिन हो जाएगा बोल के, राइट? तो और वो आपका थॉट भी नहीं है खुद, आप बैठ के कॉन्शियसली नहीं सोच रहे, बस आपके दिमाग में ऑटोमेटिक आ जा रहा और आप फ्रीक आउट कर रहे कि अरे कैसा करना है कैसा करना है। तो ये एक ओसीडी का बहुत एक सीवियर एग्जाम्पल था। युवराज और कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स है क्या जो आप चाह रहे हैं हम कवर करना, डिप्रेशन, एक पीटीएसडी एंग्जायटी और ओसीडी के अलावा? के बारे में भी बता देता हूँ, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है कि कोई पर्सन है, उसके साथ पास्ट में कुछ ऐसी एक्टिविटीज हो चुकी होती है, या तो कुछ ऐसी मेमोरी हो चुकी होती है, या तो कुछ भी ऐसी डरावनी चीज। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊं कि एक अंकल है एंड ही इज लविंग हिज वाइफ सो मच, वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन सडनली उनकी वाइफ एक्सपायर हो जाती है। तो उस टाइम पे उनको स्ट्रेस आना, डिप्रेशन में चले जाना, एंग्जाइटी फील होना, ये सब चीजें उनको हो रही है। अब थोड़े टाइम के बाद किसी और की डेथ हो जाती है, तो वही डेथ को देख के वो सारे सिम्टम्स उसको बार बार आते हैं, वही सारी एंग्जाइटी फील होना, वही सारा पेन फील होना, वही सारी चीजें फील होना जो उन्होंने पास्ट में फील किया था। जैसे कि बहुत सारे लोगों को होता है कि कहीं जगह पे जाते हैं तो वहां से उनकी कुछ मेमोरी हिट हो जाती है, डर पैदा हो जाता है, और कहीं वैसी जगह पे जाएंगे तो वहां वैसे ही चीज उनको महसूस हो जाएगी, डर लगना, बेचैनी फील होना। तो ये पीटीएसडी कहते हैं कि पास्ट की कोई ऐसी चीज जो आपके साथ हो चुकी है एंड सडनली आपको हिट करती है एंड वही सारे सिम्टम्स आपको बार बार याद आते रहते हैं, तो इट इज कॉल्ड एज अ पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। राइट। तो जो एक्सप्लेन करे अभी युवराज पीटीएसडी के बारे में, इसमें कुछ ऐड करना चाह रहा था मैं कि बेसिकली कुछ ऐसा है कि आपके साथ पास्ट में कुछ एक बहुत बुरी चीज हो गई जिससे आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस हुआ, चाहे वो दूसरों को बुरे लगे या ना लगे, वो आपके लिए स्ट्रेसफुल रहना आपके पर्सपेक्टिव से, और वो ट्रॉमेटिक रहना, और उसके कुछ टाइम बाद आप उसके बारे में बार बार याद करके आप फ्रीकआउट कर रहे हैं, स्ट्रेस आउट हो रहे हैं। तो ये बहुत बड़े लेवल पे जब पहुंच जाता है, जब वो एक बीमारी का फॉर्म ले लेता, पीटीएसडी। ये जनरली हम लोगों को सुनने में आता मूवीज और सीरियल्स में कि जो लोग वॉर के सोल्जर्स वापस आए ना, जैसे यूएसए कंटेक्स में हम लोग सुनते मूवीज वगैरह में कि जो वॉर से वापस आए गए सोल्जर्स, उन लोगों को पीटीएसडी होता कई बार, यानी वो अपने साथ के सोल्जर की डेथ देखते हैं या अपना वॉर में जो वॉयलेंस देखते हैं, बार बार फ्लैशबैक्स होते हैं। तो फ्लैशबैक्स हम जो टर्म यूज करते हैं साइकोलॉजी में, यानी आपको बार बार वही याद आ रहा, सडनली आपका ध्यान उस साइड चले जा रहा और आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, और इससे आपका स्ट्रेस लेवल बहुत हाई रह रहा है, एकदम आप फंक्शनिंग नहीं कर पा रहे डे टू डे जो भी काम है। तो ये पीटीएसडी के कुछ सिम्टम्स है ऐसे। यस सर। और तो सर लाइक बहुत सारे इस मेंटल है, जैसे कि साइकोसिस है, स्किजोफ्रेनिया है, जो मतलब बहुत ही सीरियस लेवल की मेंटल इलनेस है। लेकिन उससे पहले सर मेरा एक सवाल है कि एज अ साइकोलॉजिस्ट, अगर कोई पर्सन को पता है कि साइकियाट्रिस्ट के पास जाएगा तो उसको मेडिकेशन मिलेगी, लेकिन अगर कोई पर्सन साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है तो हाउ साइकोलॉजिस्ट कैन हेल्प देम, लाइक वो कैसे उनको हेल्प कर सकता है? राइट, बहुत अच्छा क्वेश्चन ही है, क्योंकि ऑडियंस को मैं जस्ट और एक बार शेयर करना चाह रहा था कि युवराज और मैं हम दोनों साइकोलॉजी फील्ड से है, राइट? तो हमारा कोर फोकस साइकोलॉजी फील्ड पे ही है। तो एज ए साइकोलॉजिस्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, जब क्लाइंट आता है हमारे पास तो लोगों को आइडिया नहीं है ना कि साइकोलॉजिस्ट पर जाने का तरीका क्या है, व्हाट टू एक्सपेक्ट बोल के। आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं एमबीबीएस, दिमाग में एक प्रोसीजर था कि ये होने वाला है, कि आप जाते कंसल्ट करते और उसके बाद कुछ टेस्ट रहते या दवाई रहते या सीवियर रहा तो आप एडमिट होते ग्लूकोज। एक अनपढ़ इंसान को भी एक आइडिया कि ये होता। अनफॉर्चुनेटली साइकोलॉजी के पास जाने के बाद क्या होता है आइडिया नहीं है ना, तो ये ब्रीफ आइडिया देना चाह रहा हूँ मैं। बेसिकली ये है कि फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट के बीच में डिफरेंस समझना जरूरी है। ये मैं पहले भी दूसरे वेबिनार्स में शेयर करा था, ब्रीफली बताया था आपको। साइकेट्रिस्ट जो है वो एक एमबीबीएस डॉक्टर है, जो एमबीबीएस करने के बाद एमडी इन साइकेट्री करा, वो मेडिकल डॉक्टर है साइकेट्रिस्ट, जिनका प्राइमरी तरीका दवाइयों के जरिए इलाज करना, यानी फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, यानी दवा दे के आपकी बॉडी के अंदर का जो ब्रेन में केमिकल्स है, आपके हार्मोन्स है, वो सब न्यूरोट्रांसमीटर्स को सही करके आपको अच्छा फील कराना। ये बहुत इफेक्टिव चीज है और इन जनरल सीवियर केसेस में ये बहुत काम आता। साइकोलॉजिस्ट वो है जो या तो बीएससी एमएससी करे या फिर बीए एमए करे, उसके बाद एमफिल या पीएचडी, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस। बेसिकली बीएससी एमएससी या बीए एमए करने के बाद
जो वर्क करते हैं, और इनका प्राइमरी तरीका रहता है काउंसलिंग और थेरेपी। काउंसलिंग यानी कि थ्रू कन्वर्जेशन, आप बातचीत के जरिए उनकी पूरे चीजों को, क्लाइंट के पूरी चीजों को समझते हैं, अपने माइंड में सॉर्ट आउट करते हैं और उसको उन्हें प्रेजेंट करते हैं। और काउंसलर एक मॉडरेटर का रोल करता है, यानी कि वो गाइड करता कि आप इस बारे में सोचे क्या, आपका इस बारे में क्या ख्याल है ऐसा, और क्लाइंट के अंदर से आंसर को निकालता स्लोली, अनकवर करता। तो काउंसलर का प्राइमरी रोल ये है। थेरेपिस्ट का रोल ये है कि प्रॉपर थेरेपी देना, यानी कि जब कुछ बीमारी लेके आया क्लाइंट तो उसको स्टेप बाय स्टेप एक थेरेपी का प्लान रहता। जैसे अगर डिप्रेशन है तो उसमें हम लोग सीबीटी बोल के करते, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। कॉग्निशन यानी थॉट्स को चेंज करते आप स्लोली स्लोली, एक एक वीक करके, बहुत स्लो प्रोसेस है, थॉट पैटर्न को बदलते हैं। सी यानी कॉग्निशन, फिर बी यानी बिहेवियर, क्लाइंट के बिहेवियर को बदलते हैं। तो टी यानी थेरेपी, ये पूरा एक थेरेपी है। तो ऐसे एंगर मैनेजमेंट के थेरेपीज है, एंग्जाइटी कम करने के थेरेपीज है, ओसीडी के है, फोबियाज के है। तो ये जो भी लोग बीमारी लेके आते हैं उनको थेरेपी अप्लाई करते हैं, और जो नॉर्मल लोग हैं जो लाइफ की कुछ डिफिकल्टीज फेस करे लेकिन उनको बीमारी नहीं है प्रॉपर, तो उनको काउंसलिंग देते हैं। तो काउंसलिंग और थेरेपी प्राइमरी काम है साइकोलॉजिस्ट का, और सीवियर केसेस में साइकेट्रिस्ट को रेफर करके दवा भी यूज करने लगाते हैं। तो ये एक कॉम्बिनेशन है, डिपेंडिंग ऑन द क्लाइंट ये कॉम्बिनेशन चूज कर सकते हैं साइकोलॉजिस्ट। यस सर, आपने सही बात बोली कि अगर किसी को कोई बेसिक लेवल का है, तो माइनर या बेसिक लेवल का डिप्रेशन है, तो वो साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर के पास जा सकता है। लेकिन अगर उसको मॉडरेट लेवल का डिप्रेशन है, तो फिर वहां पे आपको कॉम्बिनेशन से ही काम चलेगा कि आपको काउंसलिंग भी लेनी पड़ेगी और आपको मेडिकेशन भी लेनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप अकेले मेडिकेशन लोगे तो आपकी बायोलॉजिकल साइकिल चेंज होगी, लेकिन व्हाट अबाउट योर साइकोलॉजिकल साइकिल, वो भी चेंज होना बहुत जरूरी है। क्योंकि साइकोलॉजी एंड बायोलॉजी बोथ आर कनेक्टेड टू ईच अदर, जो आप सोचते हो वही आपकी बॉडी में महसूस होता है और वही चीज आपकी बॉडी में चेंज होनी स्टार्ट हो जाती है। तो आपके माइंड में वो चेंज लाना, हाउ टू थिंक, चीजों को कैसे अच्छे से सेटल करना, वो सब चीज साइकोलॉजिस्ट हैंडल करता है। तो फिर वहां पे साइकेट्रिस्ट का रोल थोड़ा कम हो जाता है और फिर साइकोलॉजिस्ट का रोल और बढ़ जाता है। बट व्हेन इट्स कम टू अ सीवियर मेंटल हेल्थ इश्यूज लाइक स्किज़ोफ्रेनिया, साइकोसिस, जहां पे पेशेंट बहुत ही वर्ड सिचुएशन में जा रहा है, उसको पता ही नहीं लग रहा है, तो फिर वहां पे पहले उसको साइकेट्रिस्ट के पास ले जाना पड़ता है, देन आफ्टर उसको साइकोलॉजिस्ट के पास शिफ्ट करते हैं। राइट, यस, ये तो डिपेंडिंग ऑन द केस आपको अलग अलग स्पेशलिस्ट की जरूरत पड़ सकती है। मेरा जस्ट पर्सनल सजेशन ये है लोगों के लिए कि एज ए फर्स्ट स्टेप आप साइकोलॉजिस्ट के पास चले गए ना, एक बेसिक ग्राउंड कवर हो जाता है, उन्हें आइडेंटिफाई करते हैं आपको क्या क्या इश्यूज है, बेसिक काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद वो किसी साइकेट्रिस्ट के पास रेफर करके मेडिकेशन दिलाते हैं या आपको थेरेपी देते हैं। वो डिपेंडिंग ऑन आपका केस वो अलग अलग हो सकता। फर्स्ट स्टेप आप साइकोलॉजिस्ट पास विजिट करें तो एक अच्छे से ग्राउंड वर्क हो जाता क्या करना बोलती है, राइट। और इसके अलावा मैं स्किजोफ्रेनिया और साइकोसिस के बारे में बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये भी कभी कभी देखने मिलता है लेकिन शायद आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। अगर आप किसी को देखे रोड पे, वो अपने आप से बात करते रहते हैं या चिल्लाते रहते हैं, और ऐसे लगता है वो किसी से बात करे लेकिन सामने कोई भी नहीं रहता, राइट। तो ये बेसिकली हेलोसिनेशन है, ये जो सिम्टम है, यानी कि आवाज सुनाई देना आपको, या आप कोई दिखना, या ऐसे लग रहा कि कोई आपको टच कर रहे है, बेसिकली आपके सेंसेस है आपको धोखा दे रहे हैं, जो नहीं है वो दिख रहा, जो नहीं है वो सुनाई दे रहा, तो इसको हेलोसिनेशन बोलते हैं। ये साइकोसिस और स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर का सिम्टम है। तो जब आप किसी को देख रहे रोड पे जो अपने आप से बात कर रहा या चिल्ला रहा, तो वो उस मोमेंट में हेलुसिनेट कर रहे हैं, आपको लग रहा कि वो अपने आप से बात कर रहे हैं लेकिन अपने आप से नहीं कर रहे, वो एक इमेजिनरी पर्सन से बात कर रहे हैं। और अगर वो किसी पे चिल्ला रहे तो एक इमेजिनरी पर्सन पे चिल्ला रहे, उनके माइंड में वो लॉजिकल है कि सामने एक बंदा है, वो मुझे कुछ बोला बुरा और मैं उसके ऊपर चिल्ला रहा हूँ, लेकिन हमारे लिए इलॉजिकल है क्योंकि वो पर्सन एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये केस में, ये जो सबसे सीवियर केस है, इसमें सीधा सीधा दवा का ट्रीटमेंट है, क्योंकि वो पर्सन कंडीशन में ही नहीं है कि काउंसलिंग कर सके। जैसे युवराज भी बोले, ये केसेस में पहले दवा देते हैं और ब्रेन में जो भी इम्बैलेंस को सही करते हैं, फिर वो बंदा नॉर्मल होने के बाद उनको थेरेपी वगैरह प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे मेडिकेशन प्राइमरी हो जाता। यस, सही बात बोली। और स्किज़ोफ्रेनिया में एक और चीज है जो मैं ऐड करना चाहूंगा कि लोगों को ऐसा लगता है कि पर्सन किसी से बात कर रहा है, किसी से कोई उसको ऑर्डर दे रहा है, उसकी बात मान रहा है, लेकिन पर्सन के लिए खुद के लिए पर्सन को ऐसा ही होता है कि उसको कोई दे रहा है, मतलब
अगर पर्सन के पर्सपेक्टिव से आप देखोगे तो उसको रियली में कोई दे रहा है, पर्सन को तो ऐसा ही लगेगा कि कोई उसके साथ बातचीत कर रहा है, लेकिन उसके अगर कोई सामने वाला आदमी देखेगा तो उसको लगेगा कि नहीं ये तो कुछ अलग ही सीन है। तो मतलब सच्चे में उनके साथ ये सब चीजें होती है, तो उनको एज अ मेंटल की तरीके से देखना है कि ये पागल है, ये चीज वो सही चीज नहीं है, ही इज सफरिंग फ्रॉम इलनेस। तो हमें उनको एक एम्पैथी की तरीके से देखना चाहिए। यहाँ पे ऑडियंस में से एक दो क्वेश्चंस आए थे, दो क्वेश्चंस यहाँ पे आए। अगर हम लोगों को उस क्वेश्चन का आंसर एग्जैक्टली नहीं पता तो हम लोग आपको नहीं पता बोल के रेफर कर देते, क्योंकि कुछ स्पेसिफिक अगर क्वेश्चन रहा तो गलत आंसर देने की बजाय हम लोग आपको रिडायरेक्ट कर देते या फिर कुछ जनरल आइडिया देते। ठीक है, तो ये बोल के मैं क्वेश्चन लेना चाह रहा था। फर्स्ट क्वेश्चन ये कि व्हाट परसेंटेज ऑफ पीपल विल बी सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, कितने परसेंट लोग हैं जो डिप्रेशन से सफर कर रहे हैं। तो इस बारे में मेरे को एग्जैक्टली स्टैटिस्टिक्स का आइडिया नहीं है, युवराज आपको कुछ अगर आइडिया है तो आप बोल सकते हैं। अभी एक बहुत ही कॉमन सिनारियो है कि 4 out of 1 पीपल इज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। तो आप उस पर से अंदाजा लगा सकते हो कि 4 में से अगर फैमिली में 4 लोग हैं उसमें से 1% डिप्रेशन से सफर कर रहा है। तो अगर आप उसके बड़े सिनारियो पे ले जाते हो तो मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि अगर स्टैटिस्टिकली अभी निकालना थोड़ा टफ है, लेकिन 4 में से 1 लोग डिप्रेशन से सफर कर रहे हैं, 100 में से 1 लोग स्किजोफ्रेनिया से सफर कर रहे हैं, 1000 में से 1 लोग साइकोसिस और ऐसे सब चीजों से सफर कर रहे हैं। ये सब मैथमेटिकल डेटा है। एंड हर 40 सेकंड में कोई ना कोई आदमी सुसाइड कर रहा है, ये भी दिन प्रतिदिन इसकी जो टाइम है वो घटती ही जा रही है। हम लोग ने आई थिंक 1 घंटे में बात कर लिया है, तब तक तो 60 या 70 लोगों ने सुसाइड कर लिया पूरे वर्ल्ड वाइड, उससे ज्यादा लोगों ने। तो सिनारियो इतना खराब है। ये स्टैटिस्टिक्स बहुत ज्यादा शॉकिंग है और आप लोगों को भी शॉकिंग लग रहा होगा। और इसमें एक अजीब चीज ये है कि ये तो वो स्टैटिस्टिक्स है जो रिपोर्टेड है या कैलकुलेटेड है, राइट? हो सकता मोस्ट प्रोबली इससे ज्यादा लोग सफर कर रहे जो रिपोर्ट नहीं हो रहे केसेस, क्योंकि जैसा हम लोग डिस्कस कर रहे थे हमारे कंटेक्स में, हमारे कंट्री में या हमारे कम्युनिटी में लोग आगे नहीं बढ़ते उतना ये चीजों के लिए, रिपोर्ट करने के लिए। तो रिपोर्टेड केसेस बहुत हो सकता कम है रिलेटिवली। तो इन जनरल हम ये समझ के चलना जरूरी है कि पूरे सोसाइटी का एक अच्छा हिस्सा है, एक सिग्निफिकेंट पोर्शन है जो डिप्रेशन फेस कर रहा, जो एंग्जाइटी फेस कर रहा, जिसको ओसीडी है, लेकिन वो उसको कुछ लेबल लगा के हटा दे रहे या उन्हें ट्रीटमेंट सीख नहीं कर रहे, उसको सप्रेस करके चल रहे। तो एक अच्छा खासा पोर्शन है जो मेंटल हेल्थ को फेस कर रहा, मेंटल हेल्थ इलनेस फेस कर रहा। इसके स्टैटिस्टिक्स हम लोग एक सर्च करके मिल जा सकते हैं आराम से। और स्टैटिस्टिक्स जो मेरे पास है, अभी मैं आपको भेज दूंगा। अभी अगर चिल्ड्रंस की हम लोग बात करें तो हर 100 में से 5 बच्चे डिप्रेशन से जा रहे हैं, हर 100 में से 8 बच्चे एंग्जाइटी डिसऑर्डर से जा रहे हैं, और हर 100 में से 2% बाइपोलर से गुजर रहे हैं। यही अगर हम एडिक्शन की बात करें तो हर 100 में से 15 लोग डिप्रेशन से जा रहे हैं, यही 20 लोग एंग्जाइटी से जा रहे हैं, और 3 लोग बाइपोलर से जा रहे हैं। तो ये स्टेटिस्टिक्स वेरिएशन पे चला जाता है। तो ये कहीं ना कहीं एवरेज पिक्चर दिखाता हम लोगों को कि इतने लोग सफर कर रहे हैं। और ये बहुत फिकर की बात है, राइट, कि 100 में से अगर 10 या 20 या 50 लोग और सफर करे, एक बहुत बड़ा नंबर है। क्योंकि जब हम इसको एक्सट्रापोलेट करते हैं कंट्री के लेवल पे तो ये बहुत बड़ा नंबर है, 2 लाखों करोड़ों में चले जाता है, राइट? तो ये कुछ छोटी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और उम्मीद है कि हम लोग जो भी कर रहे हैं ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने में एक छोटा बिट, एक कॉन्ट्रीब्यूशन है ये, और आप लोगों का भी कॉन्ट्रीब्यूशन इसमें जरूरी है, इसको अवेयरनेस को आगे बढ़ाने में। तो युवराज, हम लोग और क्वेश्चंस लेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। श्योर सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हाउ टू कंट्रोल एंगर, आप लेना चाह रहे हैं युवराज ये क्वेश्चन एंगर के बारे में कुछ ब्रीफली? ठीक है, मैं इसको ब्रीफली बोलना चाह रहा था। मेरे पास कंप्लीट आंसर तो नहीं है राइट नाउ, क्योंकि मैं एंगर के पेशेंट्स को डील नहीं करा, लेकिन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है मैं बता देता हूँ। एक थ्योरी ये है कि वो ये बताती है कि एंगर फ्रस्ट्रेशन की वजह से आता है। कोई चीज है जो आपको फ्रस्ट्रेट कर रही, बहुत ज्यादा आपको चिड़चिड़ा कर रही, तो उसकी वजह से एंगर क्रिएट होता है, ये एक थ्योरी बताती कि बहुत हद तक मेरे को सही लगता। तो आपको समझना जरूरी है कि आपको फ्रस्ट्रेशन और एंगर क्या रीजन से ट्रिगर हो रहा, कुछ ऐसी सिचुएशन है क्या जो आपको ट्रिगर कर रही। और उसके बाद आप ये समझना है कि वो जो सिचुएशन है क्या वो जेन्युइनली आपको ट्रिगर करना चाहिए या वो इमेजिनरी है या आप उसको ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। अगर वो इमेजिनरी है या ओवर रिएक्ट कर रहे या छोटी चीज को आप बड़ा बना रहे, तो यहाँ पे सोल्यूशन आपके हाथ में है कि आप उसको देखने का नजरिया बदल देना।
बहुत मुश्किल है, मैं समझ पा रहा हूँ जो लोग उसको फेस कर रहे हैं, लेकिन सोल्यूशन ये है कि आप उसको रियलिटी को सही समझना शुरू करना। और अगर कुछ ऐसी सिचुएशन है जो रियल में प्रॉब्लम है, तो आप ये देखना कि आप उसको चेंज कर सकते हैं या नहीं। अगर आपके पास ताकत है उस सिचुएशन को चेंज करने के लिए तो आप ट्राई करना, या अगर कंप्लीटली आपके कंट्रोल के बाहर है तो कोशिश यही है कि वो ट्रिगर्स को आप रिड्यूस करना, आप अपने आप को सिचुएशन से दूर हटा लेना। क्योंकि अगर आप उसको चेंज नहीं कर पा रहे और आपके कंट्रोल के बाहर है तो मतलब नहीं ना उसको कुछ डिस्कस करके। और इसमें मेन चीज ये है एंगर मैनेजमेंट की थेरेपी में कि ट्रिगर्स को कंट्रोल करना है हमको। और अगर ट्रिगर हो भी गया, यानी कि कोई आके आपको कुछ बेइज्जती कर दिया, वो ट्रिगर है राइट, और आप उसके ऊपर लैश आउट कर रहे हो, उसके ऊपर गुस्सा कर रहे हो, तो वो ट्रिगर है उसको मिनिमाइज करना है। सेकेंड चीज, आप कैसा रिएक्ट करते हो उस पर, ये आपको थ्रू प्रैक्टिस आपको रिहर्स करना है। एक साइकोलॉजिस्ट ये थेरेपी में करा था कि आपको वो सिचुएशन में डाल के इमेजिन करो, बल्कि आपको प्रैक्टिस करा था कि आप कैसे रिएक्ट करते, ये हो गया तो क्या करते, ये हो गया तो क्या करते। तो एक पूरा थेरेपी है, आप इसके बारे में ऑनलाइन सर्च करके कुछ ऑथेंटिक सोर्सेस इस बारे में और मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट, और एक क्वेश्चन आया था, आई हैव बीन एक्सपीरियंसिंग अ स्ट्रॉन्ग फियर ऑफ विंड, वेयर आई फील एंग्शियस एंड वरीड व्हेन ट्रीज एंड कर्टन्स मूव ड्यू टू विंड। ओके, क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, उसको मैं ब्रीफली बता देता हूँ। बेसिकली एक ऑडियंस मेंबर पूछ रहे थे कि एक विंड का फियर है, यानी हवा जब चलती एक डर होता, जब कर्टन्स वगैरह हिलते एंग्जाइटी फील होता। तो जब तक ये केस और डिटेल में एक्सप्लोर नहीं करे थोड़ा बोलना मुश्किल है, फिर भी एक गेस के बेसिस में ये बोल सकता हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ एक बचपन की मेमोरी ऐसा हो सकती कि जब हवा चल रही थी और कुछ ऐसा स्केरी चीज हो गया जब छोटे थे, बहुत ज्यादा कुछ आवाज आ गई या बिजली चमकी या थंडर की आवाज आई, तो उससे डर गए होंगे और उस वो मेमोरी क्रिएट हो गई आपको। तो कोशिश करिए कि मेमोरी को रिकॉल करके उसको सॉल्व करने की। अगर रिकॉल नहीं कर पा रहे आप, तो कहीं ना कहीं वो बहुत पुरानी या सप्रेस्ड मेमोरी है राइट। तो इसके लिए रिकमेंड यही करूंगा कि थेरेपी लेके उसको डिसेंसिटाइज करना पड़ता, स्लोली स्लोली करके उसको कनेक्शन क्या है एक्सप्लोर करना पड़ता। अभी थोड़ा इसको बोलना मुश्किल है ये केस को। एंड समवन इज ऑल्सो आस्किंग हाउ टू कंट्रोल बाइपोलर। तो मैं आपको एक सवाल पूछूंगा कि आप कभी डेंगू है मलेरिया जैसी कोई बीमारी, उसको आप सेल्फ डायग्नोज कर सकते हो? तो बाइपोलर इज लाइक दैट कि आपके माइंड में कभी ऊपर के थॉट्स आ रहे हैं, कभी नीचे के थॉट्स आ रहे हैं, कभी ऊपर के थॉट्स आ रहे हैं, कभी नीचे के थॉट्स आ रहे हैं। एंड सेल्फ डायग्नोज करना कि मुझे बाइपोलर है, विच इज गुड कि आपको पता है, लेकिन जब तक आपको कोई साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट नहीं बता देता कि आप बाइपोलर से जा रहे हो, कि बाइपोलर इज ऑल्सो वेरी सीरियस मेंटल हेल्थ इश्यूज, तो उसके लिए आप घर पे कोई ट्रीटमेंट करो या किसी से बातचीत करो, इट इज गुड, लेकिन प्रोफेशनल हेल्प इज लाइक वहां पे प्रोफेशनल हेल्प ही चाहिए आपको। विदाउट द मेडिकेशन एंड काउंसलिंग बाइपोलर इज कांट बी लाइक क्योर नहीं हो पाएगा आपका पूरी तरीके से, और फिर आपकी वही सोशल लाइफ में वो आपको इफेक्ट करता रहेगा, ये सब चीज होती रहेगी। राइट, तो मैं इसमें ये ऐड करना चाह रहा हूँ कि जो ऑडियंस मेंबर पूछे हाउ टू कंट्रोल बाइपोलर डिसऑर्डर, तो जैसे युवराज बोल रहे थे कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या वो एक्यूरेट है कि हम अपने आप को ये बोलना कि हमें बाइपोलर है, तो ये वैसे ही है जैसे कि डेंगू या मलेरिया का आप खुद डायग्नोज करें, क्योंकि उसके लिए टेस्ट रहते हैं राइट। तो स्टैंडर्डाइज टेस्ट करने के बाद ही आप उसको डायग्नोज कर सकते हो, डॉक्टर डायग्नोज करना जरूरी है। तो वैसे ही बाइपोलर डिसऑर्डर एक सीवियर चीज है, कॉम्प्लेक्स चीज है, जो साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट ही आपको डायग्नोज कर सकता। फिर भी अगर अज्यूम करेंगे कि अगर डायग्नोज हुआ हुआ है किसी को, तो मैं उसके बारे में बताया, तो बाइपोलर डिसऑर्डर एक ऐसी सिचुएशन है, एक डिसऑर्डर है जहाँ पे लोग एक्सट्रीम्स के थ्रू हो जाते हैं, कभी बहुत हाई हो जाते हैं, कभी बहुत लो हो जाते हैं उनका मूड। बेसिकली जब हाई हो जाते हैं उसको मेनिया बोलते हैं, यानी कि वो बहुत जैसे कि ऐसे लगता है कि नशा करके आए बोले सर, जब हाई फील करता ना इंसान, ऐसे लगता है कि मैं हर चीज कर सकता हूँ, ओवर कॉन्फिडेंस में चले आते हैं, पैसा खर्च कर देते हैं, बड़े बड़े कमिटमेंट्स कर देते हैं, तो उसको मेनिया बोलते हैं। और जब लो होते हैं ना, वो डिप्रेशन है प्रॉपर, जिसको हम डिप्रेशन जो बोलते हैं, ये वही डिप्रेशन है कि पूरा लो हो जा रहे हैं, हर चीज उम्मीद खो दे रहे हो, होपलेस हो रहे हैं। तो ये साइकिल्स के थ्रू जब जाते ना, तो बाइपोलर वाले लोग ये साइकिल्स के थ्रू जाते हैं, और ये बहुत एक्सट्रीम रहता है। नॉर्मल जो हमारे अप्स एंड डाउन है ये वो नहीं है, जैसे मैं शुरू में बोला था कि ये इतना सीवियर रहना कि आपकी लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा। तो जब जाके उसको बाइपोलर आप डायग्नोज कर सकते हैं, उसके लिए बहुत सारे क्राइटेरिया है, तो वही एक थेरेपिस्ट ही कर सकता वो चीज। यहाँ पे एक चीज हो जाती है कि कोई पर्सन है, अगर वो 3 या 4 साल से डिप्रेशन से जा रहा है
एंड सडनली वो कोई मेडिकेशन लेता है तो उसका सीरोटोनिन लेवल अचानक से बढ़ जाता है, तो फिर उसको मेनिया के होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं कि उसने मेडिकेशन लिया। तो फिर डॉक्टर यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छे से रिफर करते हैं कि कोई सुसाइडल टेंडेंसी वाला पर्सन है एंड मेडिकेशन लेने के बाद आपको उसकी केयर ज्यादा करनी है, क्योंकि अभी उसके पास वो एनर्जी आ गई है, वो पावर आ गया है कि वो सेल्फ हार्म कर सकता है। तो मीडिया का भी यही केस है कि बहुत टाइम से आपके पास कोई एनर्जी नहीं है, लेकिन मेडिकेशन के बाद वो एनर्जी आपको फिर होने लगती है, तो आप बड़ी बड़ी बातें करने लगते हो। मतलब ऐसी चीज है जो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। एंड द मोमेंट आप रियलिटी को हिट करते हो तो आप एकदम नीचे चले जाते हो कि ये मेरे साथ क्या होगा, ये तो चीज है ही नहीं। तो वो मेनिया एंड डिप्रेशन के बीच में जो साइकिल चलती रहती है, इट इज कॉल्ड एज अ बाइपोलर। राइट। और जैसे युवराज बता रहे थे कि जब कोई बंदा बहुत टाइम से लो फील कर रहा है, एक्चुअल डिप्रेशन के थ्रू जा रहा, और उसको एंटी डिप्रेशन जब दिया जाता है तो ब्रेन में जो सेरेटोनिन केमिकल है वो बढ़ जाता, क्योंकि दवा वही करती है ना, सेरेटोनिन को बढ़ा के उसको बेटर फील कराते, ताकि अंदर से जो इम्बेलेंस उसको सही करने के लिए अगर साइकेट्रिस्ट पास गए तो ये इलाज करते। तो जब वो बढ़ जाता तो आप इतने टाइम से लो है कि सडनली जब आप बढ़ के नॉर्मल लेवल पे आ गए वो आपको हाई दिखने लगता, तो आप इतना हाई हो जाते, इतना खुश हो जाते हैं कि एक एक्सट्रीम में जाने के चांसेस है। तो डॉक्टर क्या करते हैं, साइकेट्रिस्ट वगैरह, वो ये सिम्टम्स को मॉनिटर करते हैं, इसलिए जब भी दवा देते बोलते कि वीकली आना है, मंथली आना है, ताकि यही सिम्टम्स को कंट्रोल करते हैं, ताकि जब जाके फिर आप स्टेबल हो जाते हैं। जैसे मैं पहले एग्जाम्पल दिया था ना, बहुत टाइम से आप आवाज सुन रहे हैं, बैकग्राउंड में नॉइस आ रहा, सडनली जब सन्नाटा हो गया आपको ऐसे लगता है कि अरे कितना पीसफुल है, इवन तो वो नॉर्मल है, इन कंपैरिजन आपको एक एक्सट्रीम चेंज दिखता। तो मूड में भी कुछ वैसे ही है चीज। मैं इसके मेरा एक पर्सनल एग्जांपल ही दूंगा आपको कि व्हेन आई वाज इन डिप्रेशन और मेरी मेडिकेशन जब चल रही थी, तो मैं लो से एकदम थोड़े हाई मूड पे आ गया था। तो मैं किसी फंक्शन में था मेरे फादर के वहां यहाँ, और मेरे फादर का किसी के साथ एज अ लाइक कोई झगड़ा का सीन मतलब चल रहा था कोई ऐसा। तो मैंने उस मोमेंट के सबके सामने उस पर्सन को बोला है कि तू मुझे बाहर मिल। ऑल्दो वो मेरा नेचर ही नहीं है गुस्सा करना, लोगों से ऐसे बदतमीजी से बात करना, लेकिन एट दैट मोमेंट वो मेनिया में चले जाना कि भाई तू मुझे बाहर मिल, मैं तुझे देखता हूँ, और मैं बहुत छोटा हूँ और वो दैट पर्सन इज अ वेरी रिस्पेक्टेबल पर्सन। तो फिर उसके 3-4 घंटे के बाद मुझे रियलाइज होता है कि भाई ये चीज मैंने क्या कर दी। तो दिस इज कॉल्ड एज अ लाइक मेनिया कि आप अलग स्टेट में चले जाते हो। बेसिकली मेनिया में पर्सन इतना हाई हो जाता कि वो चीजें कर देता जो वो नॉर्मली नहीं करता, राइट, और उसके वो कैपेबिलिटी के बाहर है। जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल जो सुना था टीचर्स से अपने, वो ये है कि कोई बंदा लाखों रुपए स्पेंड कर देता एक दिन में अगर मेनिया में चले गया तो, मतलब अपना अकाउंट खाली कर देता, बड़े बड़े वादे कर देता, ये मेनिया है और ये बहुत एक्सट्रीम चीज है जब वो लेवल का होता। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था कि सम पीपल आर मेंटली स्ट्रांग और वीक, इज इट ट्रू? क्वेश्चन ये है कि कुछ लोग मेंटली स्ट्रांग रहते हैं, कुछ लोग वीक रहते हैं, ऐसा कुछ है क्या इनहेरेंट उनके अंदर कि भाई ये बंदा वीक है, ये बंदा स्ट्रांग है? आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? इसमें इस क्वेश्चन को आप एक ही सेंटेंस में आंसर नहीं देख सकते, क्योंकि कोई पर्सन वीक है या स्ट्रांग है उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। उसकी साइकोलॉजी क्या है, वो कौन सा बैकग्राउंड से आ रहा है, उसके आसपास का एटमोसफियर कैसा है, उसका बायोलॉजिकल स्टेटस क्या है, उसकी फैमिली में एटमोसफियर कैसा है, तो फिर ये सारी चीजें वहां पे मैटर करती है। तो ये क्वेश्चन में वेरिएशन बहुत सारे है कि अगर कोई पर्सन स्ट्रांग है तो वहां पे पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि उसको वो सारी चीजें मिली होगी जो एक स्ट्रांग पर्सन को बनने के लिए चाहिए। एंड व्हेन इट इज कम टू अ वीक पर्सन, तो मे बी कुछ ना कुछ वहां पे उसको कहा तो कोई सोशल इश्यूज होगा या कोई पर्सनल इश्यूज होगा या कोई फैमिली इश्यूज होगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें कंबाइंड होके पर्सन को स्ट्रांग या वीक बनाती है। तो दिस इज फ्रॉम माई साइड सर। राइट, मैं अग्री करता हूँ आपके पूरे पॉइंट से। बेसिकली आप ये बोलना चाह रहे थे, मैं रिकैप कर देता हूँ, कि इसका स्ट्रेट आंसर नहीं है बोलना कि कोई मेंटली स्ट्रांग है या वीक बोल के। वो स्ट्रांग होना, वीक होना एक आउटकम है, लेकिन उसकी जड़ पहचानना बहुत बहुत मुश्किल है साइंटिफिकली, क्योंकि जैसे युवराज बता रहे थे कि बहुत सारे जेनेटिक फैक्टर्स है, बायोलॉजी है, और कुछ हो सकता है उनके पेरेंट्स से कुछ उनको ट्रेट्स आए, और बहुत बड़ा हिस्सा है कि उनकी पेरेंटिंग कैसा हुई है और किस एनवायरनमेंट में रहे हैं। तो बहुत सारे ये फैक्टर्स है, लेकिन इसका आउटकम ये निकल के आता है कि हाँ, कुछ लोग मेंटली स्ट्रांग रहते, कुछ लोग वीक रहते, यानी कि टेंडेंसीज रहते हैं उनके अंदर, लेकिन एग्जैक्टली प्रेडिक्ट करना मुश्किल है कि ये सिचुएशन में कौन क्या करता है बोल के।
बस वो टेंडेंसी है कि इसके चांसेस ज्यादा है, इसके चांसेस कम है बोल के। लेकिन आप ये समझिए कि बहुत हद तक इसको आप चेंज कर सकते हैं, ये आपके हाथ में है बहुत हद तक। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था, एंग्जाइटी और डिप्रेशन की कॉमन कॉजेस क्या है या अंडरलाइंग रीजंस क्या है बोल के। तो मैं इसका ये क्वेश्चन में लेना चाह रहा था, इसमें बेसिकली क्या है, इसका भी क्लियर कट आंसर नहीं है। अजीब बात लगेंगी आपको कि साइकोलॉजी में कई चीजों के जड़ से आंसर्स नहीं है, क्योंकि ह्यूमन माइंड एक इनविजिबल चीज है, राइट। एक इनविजिबल चीज को स्टडी करना इतनी मुश्किल चीज है। जब आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आपको सामने आपके पास फिजिकल चीज है, आप उसको मेजर कर सकते, तोड़ सकते, मोड़ सकते, मशीन में डाल सकते, राइट। लेकिन ह्यूमन माइंड जो ब्रेन से अलग है, माइंड एक इनविजिबल चीज है, कॉन्सेप्ट है माइंड, एक एमर्जेंट प्रॉपर्टी है, तो आप उसको डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, इनडायरेक्ट मेथड से आपको एसेस करना पड़ता है, क्वेश्चनेयर्स के थ्रू या काउंसलिंग के थ्रू वगैरह। तो ये बहुत ही डिफिकल्ट चीज है। अगर कमिंग टू मेन आंसर, इन जनरल एंग्जाइटी या डिप्रेशन की कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर्स है बोल के बताते हैं साइकेट्रिस्ट और डॉक्टर्स, वो फैक्टर्स है, लेकिन वो उसका कॉज है या इफेक्ट है ये बोलना मुश्किल है। हो सकता कॉज भी है, इफेक्ट भी है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगा ऑडियंस को, लेकिन समझने का ट्राई करिए। जैसे कि अगर ब्रेन में आपके सेरोटोनिन जो केमिकल है वो लो हो गया, तो आप डिप्रेस फील करते, लेकिन आप डिप्रेस होने के बाद भी सेरोटोनिन लो हो जाता, तो इससे ये हो रहा या इससे ये हो रहा बोलना बहुत मुश्किल है। कई जेनेटिक रीजंस हो सकते हैं, बायोलॉजिकल रीजंस हो सकता है, आपको हार्मोन इम्बेलेंस हो सकता है, या आपके बिहेवियर की वजह से केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, वो भी बोल सकते हैं। तो इसका एग्जैक्ट आंसर बोलना बहुत बहुत मुश्किल है, मल्टीपल फैक्टर्स जो कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। तो एक एक फैक्टर को हम एड्रेस जब कर लेते जाते ना, जब जाके डिप्रेशन का इलाज होता, उसमें आपको बायोलॉजिकली भी करना है, एंटी डिप्रेसेंट्स लेके या थेरेपी भी लेना है, खुद से एफर्ट डालना है, राइट। सब मिलाने के बाद ही उसका आउटकम आता, एग्जैक्ट रीजन बोलना मुश्किल है। यस डेफिनेटली, जो चीज आपने बोली कि अगर मेडिकल में हम कोई भी टेस्ट करते हैं तो वहां पे क्राइटेरिया सेट है कि इससे इस रेंज में कोई चीज आ रही है तो ये उसका डायग्नोस है, ये डायग्नोस है। लेकिन ह्यूमन माइंड एक ऐसी चीज है जिसको आज तक साइंस भी नहीं समझ पाया है कि वो कैसे सोचता है, कैसे चीजों को हैंडल करता है। तो फिर व्हेन इट कम्स टू इलनेस ऑफ मेंटल हेल्थ, तो फिर वहां पे हमें आपने बहुत सारे जगह पे देखा होगा कि साइकोलॉजिस्ट पहले से केस हिस्ट्री ले लेते हैं, यार उसके बाद वो रिसर्च करते हैं कि एक्चुअली में है क्या ये क्या, क्योंकि यहाँ पे आपको हर केस में कुछ ना कुछ चीजें अलग देखने को मिलेगी। आपने जो पढ़ा है उससे ज्यादा आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपको मतलब इसका डायग्नोस पूरा सेट ही है, आपको डायग्नोस बनाना पड़ता है इसका, ये क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, राइट। और मेरा भी एक्सपीरियंस एज ए वर्किंग साइकोलॉजिस्ट, एज ए काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, ये रहा कि हर क्लाइंट अलग रहता मालूम, और एक ये स्ट्रेसफुल जॉब है कि जब हर क्लाइंट आता, हो सकता है कुछ लोग ओपन है, कुछ लोग उतना ओपन नहीं है, कुछ लोग बात ही नहीं करते, उनको बहुत प्रेशराइज करना पड़ता बात करने के लिए। तो इतनी वाइड वैरायटी ऑफ क्लाइंट्स आते हैं, और स्पेशली जब उन्हें मेंटली डिस्टर्ब है, उनको ओपन अप कराना और उनसे बात करके समझना ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसे कुछ बायोलॉजिकल टेस्ट तो नहीं है जो हम कर सकते, राइट। क्लाइंट के जरिए से ही समझना है या उनके साथ जो लोग हैं उनसे समझना है, तो ये बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस है इसको आइडेंटिफाई करना। इसीलिए भी साइकोलॉजिस्ट बहुत ज्यादा चैलेंज, साइकोलॉजी बहुत ज्यादा चैलेंजिंग फील्ड है। Yes, definitely. So that is also one question जिसको मैं थोड़ा समझ नहीं पाया क्या कहना चाहते हैं। ये क्वेश्चन मेरे फादर की तरफ से एक्चुअली, लेकिन मैं भी नहीं समझ पाया। अगर आप क्लियरली और एक बार पोस्ट करें तो हम उसको ले लेंगे। डिप्रेशन किसी दुश्मन को भी आना, अच्छा शायद नहीं आना बोलना चाह रहे, ओके शायद आप समझ गए युवराज क्या बोलना चाह रहे। अच्छा, बेहतर है आप इसको आंसर करो। हाँ सही बात बोली, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि मैं खुद डिप्रेशन से जा चुका, और मैंने भगवान से यही प्रार्थना की कि मैं डिप्रेशन किसी को भी मत दो भाई, और यही सच था। मैंने बोला था कि भाई मेरे दुश्मन को भी आप डिप्रेशन मत देना, क्योंकि डिप्रेशन में आदमी सेकंड सेकंड में आदमी अंदर से टूटता है, रोता है, मरता है। अगर कोई फिजिकल इलनेस होगी तो वहां पे मेडिकेशन लेने के बाद आपको अच्छा हो जाएगा, लेकिन मेंटल इलनेस में ऐसा नहीं है, आप सेकंड सेकंड पे अपने अंदर से स्ट्रगल करते हो। तो यस, इट इज अ वेरी बिग इशू, एंड हेल्प इज ऑलवेज अवेलेबल। आपको एक हेल्प की आवाज करनी है, देयर आर सो मेनी पीपल जो आपको हेल्प करने के लिए अवेलेबल है। दिस इज फ्रॉम माय साइड सर, राइट। तो हम लोग फिर कंक्लूजन की तरफ मूव हो जाएंगे स्लोली। तो yes. अगर ऑडियंस और एक या दो क्वेश्चन कुछ पूछना चाह रहे, मीनवाइल एक दो या तीन मिनट में आप पोस्ट कर दीजिए, नहीं तो हम लोग कंक्लूजन की तरफ मूव होंगे। ओके युवराज,
यो यस सर ठीक है तो लास्ट कुछ मैसेज देना चाह रहे युवराज, आप पूरे प्रोग्राम को समराइज करके कुछ आपकी तरफ से एक मैसेज देना चाह रहे या आपका ऑनलाइन प्रेजेंस आप शेयर करना चाह रहे लिंक्स वगैरह, तो आप लास्ट यही चीज शेयर करना चाहता हूँ कि आजकल लोग अपनी हेल्थ को छोड़ करके बहुत सारी चीजों के पीछे भाग रहे हैं, पैसे के पीछे भाग रहे हैं, फेम के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन जब तक आपकी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं होगी तब तक आपकी सारी चीजें बेकार है। क्योंकि अगर आपने IAS IPS भी बन गए लेकिन आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है तो उस चीज का क्या फायदा। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि मेंटल हेल्थ के बारे में स्टिग्मा है लेकिन हेल्प इज ऑलवेज अवेलेबल एंड देर आर ऑल्सो सम पीपल जो आपको हेल्प करने के लिए रेडी है, बट वॉट यू हैव टू डू इज जस्ट, वो मैंने कहा ना कि आस्किंग फॉर हेल्प इज हार्डर देन गिविंग हेल्प, तो आपको एक हाथ लंबा करना है कि प्लीज गिव मी अ हेल्प, तो फिर वहां से आपको एक हेल्प मिल जाएगी। एंड कभी भी ये नहीं सोचना है कि आई एम मेंटल और पागल हूँ, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अगर एक बार आप बीमारी से बाहर आ जाओगे उसके बाद आपको लगेगा कि भाई ये सब क्या है, मतलब फालतू चीज थी जो मैं सोच रहा था, लेकिन वो आप माइंड के लूप में रहता हो जिसकी वजह से आपको लगता है कि आई वॉज मैं ये पागल हूँ ये हूँ मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि एक टाइम पे मैं भी था, मैं बेड में पड़ा रहता था, मैं आपको 3 वीडियो भेजूंगा मेरे साइको, मैंने डिप्रेशन पे 3 वीडियो बनाए, डिप्रेशन पे, OCD पे एंड PTSD पे, कि उस टाइम पे मैं पर्सन की मेंटेलिटी क्या होती है। तो लाइक फ्रॉम फेसिंग 3 suicidal tendencies टू डूइंग सम वेबिनार, सो यस यू कैन ऑल्सो डू दैट। तो ठीक है, तो युवराज थैंक यू सो मच, मैं मेरी तरफ से कुछ समराइज करके कंक्लूड करना चाह रहा था। तो ऑलमोस्ट हम 1.5 आवर स्पेंड करे, मैं बहुत खुश हूँ कि हम इतना अच्छा टाइम स्पेंड करे, मेरे लिए भी वर्थ था, युवराज के लिए भी वर्थ था, और उम्मीद है ऑडियंस मेंबर्स के लिए भी वर्थ था। जो भी लोग पूरा 1.5 आवर देखे उनको थैंक यू वेरी मच, और कमेंट्स भी बहुत सारे एनकरेजिंग कमेंट्स आए गुड एफर्ट बोल के, तो थैंक यू आप लोग भी इतना सपोर्ट करे। मैं बेसिकली इसको समराइज करना चाह रहा था, हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चन लिए रिकैप करना चाह रहा था कि मैं एज ए वर्किंग साइकोलॉजिस्ट और युवराज एज ए बडिंग साइकोलॉजिस्ट, हम लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे कि साइकोलॉजी फील्ड कैसी है, क्या क्या चैलेंजेस है इसमें, और क्यों ये बहुत मिसअंडरस्टूड फील्ड है, और इसमें आने के फायदे नुकसान क्या है वगैरह, हम अलग अलग चीजें एक्सप्लोर करें, राइट। और कॉमन जो बीमारियां हैं उसके बारे में हम बात करें कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, OCD, स्किजोफ्रेनिया, PTSD, इसके बारे में हम डिस्कस करें। अब कोई भी पॉइंट अगर छूट गया तो आप ये वीडियो में पीछे जाके देख सकते हैं क्योंकि ये यूट्यूब पर पब्लिश होने वाला है, तो वो आपको लिंक मिल जाएगा। और हम लोग कोर हमारा टॉपिक था कि मेंटल हेल्थ के बारे में, मेंटल हेल्थ क्या है हम समझे, इसको कैसे ओवरकम करना, इसमें लिसनिंग कितना इम्पोर्टेंट है, पेरेंट्स, टीचर्स और एल्डर्स का रोल क्या है कि आपके अंडर में जो बच्चे हैं उनको आप कितना सेंसिटिवली समझना और हमेशा बिना जज करे सुनना है। और मैं शेयर करा कि साइकोलॉजी में कुछ वियर्ड चीजें हैं ना कि अगर कोई मर्डर भी करके आ गया तो आप उसको रिपोर्ट नहीं करना है, आप जज नहीं करना है, बस उनको हील करने में हेल्प करना है। तो ये कुछ टिडबिट्स मैं आपके साथ शेयर करा। और युवराज जो भी आप वीडियोस या जो भी आप अपने चैनल वगैरह मेंशन करें, मैं डिप्रेशन बोल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक कर देता हूँ, जब से हम लोग डिप्रेशन के बारे में बात करें ना इसलिए डिप्रेशन बोल दिया मैं। तो ठीक है, तो मेरी तरफ से एक फाइनल मैसेज ये है कि जब आपकी पहचान में कोई फिजिकली बीमार पड़ता तो आप उनके पास ब्रेड टोस्ट लेके जाते ना मिलने, और वेस्टर्न कंट्रीज में तो फूल वगैरह लेके जाते या हमारे पास ब्रेड टोस्ट लेके जाते, सूप के पैकेट वगैरह, अच्छी बात है। आपसे रिक्वेस्ट ये, आप सब लोगों से, कोई आपकी पहचान में कोई मेंटली भी इल है, डिप्रेशन या एंग्जाइटी में है, तो भी आप ब्रेड सूप वगैरह लेके जाइए, ये मेरा मैसेज है। और जैसा और ज्यादा आप केयर करते फिजिकली इल लोगों के लिए, बारी बारी जाके मिलते उनसे, हॉस्पिटल में जाके सपोर्ट करते, फाइनेंशियल हेल्प करते, जो भी, बहुत अच्छी बात है। कोई मेंटली भी इल है तो उनके लिए भी आप ये सब चीजें करिए, उनको खुल के बात करने का मौका दीजिए, उनके ऊपर लेबल मत लगाइए, और स्पेशली ये है कि उनको और बॉयकॉट नहीं करना है आपको कि लेबल लगा दिया और उनके बारे में अफवाहें, रूमर्स फैला दिए कि अरे उसके साथ ये हो गया, फिर उसके लाइफ को और कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है आपको, नॉर्मल रहिए, हो सके तो हेल्प भी करिए हर वे में जितना भी हो सके। छोटे कुछ मेथड्स हो सकते हैं कि आप ऐसा हमारे जैसा जैसे हेल्पफुल कंटेंट है ये कुछ शेयर कर दीजिए, या दूसरा कंटेंट शेयर करिए, एक ओपन एनवायरनमेंट बनाइए हेल्प गिविंग का और हेल्प टेकिंग का। तो ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, और इस वीडियो से जो भी आप नॉलेज एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट करिए, इसके बारे में और रिसर्च करके और आसपास के लोगों तक ये मैसेज पहुंचाइए जरूर,
ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी है हमारी, क्योंकि लाखों लोग करोड़ों लोग इतना सफर कर रहे हैं दुनिया में, हम लोगों को अंदाजा भी नहीं है, राइट? और उन लोगों की लाइफ को हम अगर 1% भी बेटर बना सकते हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी और हम लोगों को करना चाहिए एज ए ह्यूमन। और उनकी लाइफ को हम 1% भी मुश्किल नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि हर कोई 1-1% बनाते गया तो एक थ्रेशोल्ड ऐसा पार हो जाएगा कि वो बंदा सुसाइड कर देता है। आपको लगता है कि आप 1% कुछ उसके लिए बुरा करें ना, लेकिन वो पूरा एड अप होकर उसको थ्रेशोल्ड के बियॉन्ड पुश कर रहा है ना। तो कोशिश करना है कि जरा भी उनको तकलीफ नहीं देना और मैक्सिमम सपोर्ट करने का ट्राई करना। ये मेरा फाइनल मैसेज है। जो भी लिंक्स हम लोग वगैरह मेंशन कर दिए डिस्क्रिप्शन में हम लोग डाल देते हैं, और आगे ऐसे ही हम लोग कंटेंट बनाने की उम्मीद है, तो आप लोग भी इसको ज्वाइन करिए और सपोर्ट करिए, ठीक है? तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो बहुत मच सारे अरिबन कि आपने 1-1.5 घंटे तक सुना, क्योंकि अक्सर इस टॉपिक के बारे में लोग सुनना पसंद नहीं करते हैं कि डिप्रेशन क्या है, मेंटल हेल्थ क्या है, लेकिन आप लोगों ने सुना 1-1.5 घंटे तक, तो ये हमें अच्छा लगा। एंड आप भी ऐसे लोगों की हेल्प करें एंड लोगों को गाइड करें कि अगर कोई मेंटल इलनेस से जा रहा है तो अगर आप उसकी थोड़ी भी हेल्प कर देते हो तो मे बी आप भी, आप उससे नहीं है लेकिन आप उसके पूरे परिवार को बचा लेते हो, कि जब आदमी सुसाइड करता है तो उसके साथ साथ उसके परिवार वाले भी कहीं ना कहीं पे मरी, मतलब मेंटली थोड़ा सा अनस्टेबल हो जाते हैं। राइट, ठीक है। तो दैट्स इट फ्रॉम अवर साइड। तो युवराज हमें ज्वाइन करे थे, युवराज एक बीए साइकोलॉजी थर्ड ईयर के स्टूडेंट है वडोदरा गुजरात से, और मैं मोहम्मद आमिर हूँ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट गुलबर्गा कर्नाटका से। तो हम दो अलग ज्योग्राफिकल रीजन से रहने के बावजूद भी हम लोग के कॉमन कॉज हम लोग को जोड़ा, वैसे ही मैं चाह रहा हूँ आप लोग भी हमारे से जुड़िए एक कॉमन कॉज के लिए और अपना पार्ट प्ले करिए। तो थैंक यू एवरीवन सुनने के लिए, और आपके जो कमेंट्स है मैं हर कमेंट पढ़ रहा हूँ यहाँ पे, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है हमारे लिए भी, हमारी मेंटल हेल्थ और हमारे वेलबींग के लिए ये बहुत सपोर्टिव है। तो आप लोगों के लिए भी मैं सेम चीज विश करूंगा। ओके, बाय बाय। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।